कर्नल साहब आप जुड़े हुए हैं। नमस्कार सबको एक बार। हाँ जी हाँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ जी। ठीक है सर, तो आज की इस चर्चा में, परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और बिल्कुल एक नया विषय है और समकालीन ये विषय है, नया भी है और समकालीन विषय है। और ऐसे विषय जो होते हैं उनके बारे में हमारी जो जानकारियां होती हैं वो अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी अपनी जो हैं वो ओपिनियंस होती हैं। जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में हमारी जानकारी, एक्चुअल पोजीशंस की जानकारी हमारे पास बहुत कम उपलब्ध होती है। हम शब्द का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आम नागरिक है, जो सामान्य नागरिक है, उसके पास ये जानकारियां केवल इन्हीं दो तीन तरीकों से आती हैं जो टीवी पे बता दिया गया, मीडिया के माध्यम से, और उसके आधार पर वो अपने भावनात्मक रूप से उन विषयों के बारे में अपने निर्णय बनाते हैं। अगर कोई आक्रमण कर रहा है और तो हमें लगता है कि हमें युद्ध कर छेड़ देना चाहिए और ऐसा कर देना चाहिए, वो एक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में हम ज्यादा चले जाते हैं। लेकिन जब विषय के ऊपर चर्चा करनी हो तो आपके पास प्रमाण होने चाहिए, आपके पास आधार होने चाहिए, आपके पास निश्चित जानकारियां होनी चाहिए, तभी उस विषय के ऊपर आप साधिकार बोल सकते हैं और सही दिशा दे सकते हैं। अन्यथा ये एक अपने आप में बड़ी विचित्र सी बात हो जाती है कि जो लोग वस्तु स्थिति को जानते हैं और जिन लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई होती हैं, उन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना बड़ा कठिन काम हो जाता है और ये लीडरशिप को दोहरे एक दबाव का भी अनुभव करना पड़ता है कि एक और जो वस्तु स्थिति है, जो एक्चुअल रियलिटीज हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना है और दूसरी तरफ अपनी जो प्रजा है, अपने जो लोग हैं, उनकी भावनाओं का तालमेल कैसे बिठाएं, कैसे उसको नियंत्रण में रखें। तो इसलिए ये विषय जो आज हमने चुना है चर्चा के लिए, समझने के लिए, चर्चा के लिए भी नहीं समझने के लिए है, चर्चा तो हम बाद में करेंगे, कि चीन की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो उसकी कपट नीतियां चल रही हैं, उसको उसके विषय में हमारी समझ क्या है, हमारी जानकारी क्या है और कितने गहरे से हम और कितने व्यापक रूप से उसको हम समझते हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है कि उसको सूक्ष्मता से कितना समझते हैं और कितना व्यापक रूप से हम उसको समझते हैं, और साथ ही साथ भारतीय रिस्पांस उन उस स्ट्रेटजी के लिए क्या है जो चाइना के द्वारा अडॉप्ट की जा रही है, स्वीकार की जा रही है। देखने में हमें ये लगता है कि शायद भारत सरकार कुछ नहीं कर रही और जो आपको सूचनाएं मिलती हैं उसमें केवल इतना आपको मिलता है कि आज भारतीय फौजियों ने जो है चीनी फौजियों को पकड़ लिया, उनको उनके साथ मारपीट कर दी, ये कर दिया, इस तरह की बातें अक्सर सुनाई देती हैं जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। लेकिन जो लोग वहां पर एक्चुअली इन चीजों को फेस कर रहे हैं, जो एलओसी के ऊपर हैं, एलएसी के ऊपर हैं, मैकमोहन लाइन के ऊपर हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, और आर्मी की ओर से जब कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं आती, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आती और मीडिया आपको देता है, तो निश्चित रूप से हमें बहुत सावधानी रखने की अपेक्षा है। और विशेष रूप से जब हमारे साथ कैडेट्स जुड़े हुए हों, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बच्चे जुड़े हों, कैडेट्स जुड़े हों, उनको इन विषयों के बारे में जो कुछ घट रहा है उसके बारे में जानकारी होना तो और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो चीजें सीधे सीधे उनके भविष्य को प्रभावित करने वाली हैं। और नैतिक दायित्व भी बनता है कि जब आप आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको आर्मी के व्यवहार के बारे में, आर्मी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में, उनके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए ये हमने आज की ये चर्चा रखी है, समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से क्या क्या घट रहा है। आज तक जो चीन को लेकर के हम भारतीय नीतियां रही हैं, फॉरेन पॉलिसीज रही हैं, या उसके साथ जो संबंध रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों का, मोदी सरकार से पहले का, वो बड़ा विचित्र सा रहा है, जिसे मैंने नाम दिया है अशोका सिंड्रोम। आप स्लाइड के ऊपर देखें, नीचे स्क्रीन के ऊपर देखें,
अशोका सिंड्रोम का मतलब है कि कलिंग का युद्ध, जो कि एक माइलस्टोन रहा है भारतीय इतिहास में, क्योंकि उसके बाद बुद्धिज्म जो है वो बड़ा प्रभावी हो गया और अशोक ने जो है वो एक तरह से सब प्रकार की जिम्मेदारियों से अपने को विड्रॉ कर लिया, अपने में ही अपने कोकून में जाना जब उसने शुरू कर दिया, तो उसके बाद भारतीय सीमा पर और भारतीयता पर जिस तरह के आक्रमण होने शुरू हुए, उसका परिणाम हम लोगों ने बहुत दूर तक, वो परिणाम बहुत अग्रगामी हुए, आज तक चलते आ रहे हैं, जिसे मैं अशोका सिंड्रोम कर रहा हूं कि हम शांति की बात करते रहेंगे और प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। और हमने फौज को भी ये सिखा दिया है कि नो फर्स्ट स्ट्राइक, कि हम पहले स्ट्राइक नहीं करेंगे, और जबकि आपके पड़ोसी दोनों तीनों तरफ से जो है वो आप पर आक्रमण करते रहे हैं। तो ऐसी कई सारी स्थितियां हैं जहां पर हमने कभी अपनी फॉरेन पॉलिसीज को इस तरह से परिभाषित नहीं किया, एक अशोका सिंड्रोम की तरह से। दूसरी तरफ जो अपेक्षित था, जो अब मोदी सरकार के साथ हमें देखने को मिलता है, ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि ये कोई बीजेपी की बात है या कोई राष्ट्रवादी बात है, ये एक राजनेता की जिम्मेवारी होती है, उसका दायित्व है कि वो एक व्यवहार कुशल नीति को अपनाए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो बॉर्डर पे सिचुएशंस हैं और जो देश की भावना है, दोनों के तालमेल को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय लेने हैं, वही चाणक्य विजन, क्योंकि चाणक्य ने यही काम किया। अशोक वो नहीं कर सका, एक ही युद्ध से उसमें जो विड्रॉल के सिम्टम्स आ गए, उसने सारे भारत को आक्रांत किया और जिसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिले। आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करने से पूर्व दो तीन बातें मुझे लगता है एक पूर्व पीठिका के रूप में, भूमिका के रूप में आप लोगों के साथ मैं साझा कर लेता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। इस स्क्रीन को आप देखें तो थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीन की व्यापकता कितनी बड़ी है, चीन कितना विशाल देश है। हम अक्सर डाटा में बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल न्यूमेरिक्स में बात कर लेते हैं कि इतने वर्ग मील का क्षेत्र उसका है और इतनी पॉपुलेशन है। इस डाटा के आधार पर आपको कोई पिक्चर बहुत क्लियर नहीं होती है, लेकिन जब आप यहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं तो आपको पता लगता है कि आपके साथ कितना बड़ा बॉर्डर उनका जुड़ा हुआ है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है, और भारत को कहाँ कहाँ जाकर के दिक्कतें आने वाली हैं। इधर के कुछ एक बॉर्डर्स को आप देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश का और अक्साई चिन वगैरह का, जहां पर जाकर के कुछ एक समस्याएं आगे चल करके हम बात करेंगे। तो केवल एक पृष्ठभूमि के रूप में इस नक्शे को आप ध्यान में रखिए, इस कंपैरिजन को ध्यान में रखिए कि चीन के साथ भारत के जो बाउंड्रीज हैं, अनडिफाइंड बाउंड्रीज हैं, वो किस तरह से जुड़ी हुई हैं, और चीन कितना बड़ा है और भारत की सीमाएं किस तरह से बिखरी हुई हैं। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि आपके सामने दो मुख्य मुद्दे हैं 1950 के बाद, जब तिब्बत को उसने अपने अधीन ले लिया आक्रमण करके, अक्साई चिन का चाइना जो है उसके अंडर है लेकिन इंडिया उसको क्लेम करता है। दूसरी तरफ जो मसला है वो क्या है कि अरुणाचल का प्रदेश, जो कि वो साउथ तिब्बत का एक हिस्सा मानता है, उसके ऊपर वो बार बार क्लेम करने की कोशिश करता है। तो कुछ इस तरह की बातें धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती जो हैं वो आज एक फ्लैश पॉइंट पे पहुंच गई हैं, और ये तब की चीजें चल रही हैं जब नेहरू सत्ता में थे और चीन ने उनके पंचशील के ऊपर जिस तरह से उसने तमाचा मारा था, और फिर भी उसके बाद हमने चीन के साथ अपने भाई बंदी के जो हैं राग अलापने नहीं छोड़े थे, उसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़े हैं। और कितनी सारी जमीन, हजारों किलोमीटर की जमीन जो है हमने बिना किसी बात के, बिना किसी आधार के हमने चीन को सौंप दी। ये एक दुखद तथ्य है इतिहास के, जो इस तरह से ना तो पढ़ाए जाते हैं सिलेबस में, और ना ही उनके बारे में कोई परिचर्चा इस तरह से करता है कि ये सारा हुआ क्या। जल्दी से मैं दो तीन बातें आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं कि जब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो हमेशा हर देश की अपनी अपनी तरीके की स्ट्रेटेजी होती है, और वो स्ट्रेटेजी आती कहाँ से, वो उसकी अपनी परंपरा, उसके ऐतिहासिक जो लेसन होते हैं, हिस्टोरिकल लेसन उसने सीखे होते हैं, उसके जो कल्चरल रूट्स होती हैं वहां से वो पैदा होती हैं।
जब मैं पढ़ रहा था, इस सारे विषय की तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था, तो मेरे हाथ में ये चीज लगी कि आप चाइनीज स्ट्रेटेजीज को अगर समझना चाहते हैं तो वो उनके 36 जो एक तरह के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उन पर ये निर्भर करते हैं। उनका सारा व्यवहार, उनका सारा आचरण, उनके सारी जो एक्सपेंशनिस्ट थ्योरीज हैं और उनका बिजनेस करने का तरीका, उनका पॉलिटिकल पॉलिटिक्स का तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका, आप इन 36 जो एक तरह के प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके अंडरकरेंट्स हैं कल्चर के, उस पर आधारित हैं। इनके ऊपर हम अभी बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बड़ी व्यापक बात है, लेकिन आप देखिए कि कितनी व्यवहार कुशलता उनमें है। अपने राष्ट्रीय हित उनके सर्वोपरि हैं, उसमें कहीं वो दो मत नहीं होते, और उस राष्ट्रीय हित को साधने के लिए वो किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। जैसे कि आप पॉइंट नंबर 3 को देखें तो उनकी व्यवहारिक नीति है किल विद अ बोरोड नाइफ। वो इस बारे में कभी भी संकोच नहीं करेंगे, और लूट अ बर्निंग हाउस, इस बात में भी कभी संकोच नहीं करेंगे कि अगर आप भाग रहे हैं, आप आपका घर जल रहा है, और अगर आपके घर में अस्थिरता फैली हुई है, तो वो उसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। ये उनके एक तरह के पॉलिसी निर्माण के फंडामेंटल फिलॉसफीज हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये उनकी आधारशिला है, अंडरकरंट्स हैं। इसलिए आप इसको देख सकते हैं और चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, या बाद में जब मौका लगेगा तो इनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीजें हैं और किस तरह से उनके पॉलिसीज में इन चीजों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ दो तीन प्रश्न जो अपनी ओर जब आते हैं, उनकी तो हमें पॉलिसीज इन चीजों के आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अपनी ओर जब हम ढूंढते हैं, अपनी ओर जब तलाश करते हैं कि हमारा रिस्पांस क्या रहा है पिछले 70-72 सालों में, मैकमोहन लाइन जब बन गई, तो आप देखेंगे कि भारत की अपनी, हम राष्ट्र कहते हैं, नेशन कहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा नेशन है जिसकी बाउंड्रीज ही डिफाइन नहीं है। और उसके लिए मैं सबसे पहले, सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसने ये डिफाइन ही नहीं किया कि भाई हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत जितना भी भूभाग है उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, उसकी ये जो है नेशनल बाउंड्रीज, वो बाउंड्रीज होंगी, वो नेशन जो है उसमें रहने वाले लोगों के लिए ये हम संविधान लिख रहे हैं। कितनी आसानी से उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि इसकी बाउंड्रीज क्या होंगी, जिसके आज भी हम परिणाम सारे के सारे भुगत रहे हैं। ऐसा संविधान उन लोगों के लिए लिखा गया है जिनकी बाउंड्रीज, जिनकी नेशनल बाउंड्रीज जो है वो परिभाषित ही नहीं है। दूसरा, पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी हमें फेल किया इतने सालों में, कि जिसने फ्यूचर प्लान्स को एम्विजन ही नहीं किया कि फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स क्या होंगी। वो अपने इंडिपेंडेंस, अपने फ्रीडम, ऐसे कुछ शब्दावलियों में अपने को उलझा लिया उन्होंने, तरक्की और विकास इस तरह के शब्दों को पकड़ के उन्होंने अपने आप को इस तरह से उसमें उलझा लिया कि वो देखना ही भूल गए कि दुनिया किस तरह से चलती है, दूसरे देश किस तरह से व्यवहार करेंगे उनके साथ। और तीसरी बात जो है बिजनेस इंटरेस्ट, इन्होंने भी बिजनेस इंटरेस्ट ने भी हमें जो है वो लेट डाउन बड़ा किया है, एक हमारे भारत को, हमारे नेशन को। और अगर आप देखें तो बड़ी हैरानी होगी कि ऑफिशियली चाहे हम लोगों ने आज चाइना से नाता तोड़ लिया है, उसके सामान को हम नहीं ला रहे हैं, लेकिन अब जो सामान आ रहा है वो क्या हो रहा है, वो नेपाल के रास्ते आना शुरू हो गया है। आप देखिए कि बिजनेस इंटरेस्ट जो है, अब इसमें बहुत सारे कारण दे सकते हैं, बहुत सारे आप आर्गुमेंट्स दे सकते हैं कि भाई इस वजह से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन मूलतः हुआ ये है कि हम लोग भूल गए कि हमारी परंपरा क्या रही है। हमारी परंपरा समुद्रगुप्त की रही है, हमारी परंपरा ऐसे ऐसे वीरों की रही है, जो आप ऊपर का एक श्लोक देख सकते हैं, ये तो केवल एक अंश मात्र में दिखाना चाहता था, इसका सीधा सीधा उस तरह से संबंध तो नहीं है। लेकिन जब मैं चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप को देखता हूँ तो मैं इसी श्लोकों के संदर्भ में देखता हूँ कि कालिदास में जब रघु है, वो जब विजय यात्रा के लिए निकलता है तो किन किन बातों का वो ध्यान रखता है, कि सबसे पहले तो अपने लोगों की प्रोटेक्शन, अपने बैकग्राउंड में
पर्याप्त रिसोर्सेज को ध्यान में रख करके अपनी आर्मी को वेल ट्रेन करके फिर वो अपनी विजय यात्रा के लिए निकलता है, अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित करता है। बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है अपनी ट्रेडिशन से, लेकिन क्योंकि हमें पढ़ाया गया इतिहास में कि हमारी ट्रेडिशन में तो केवल हम पिछड़े हुए ही थे और बाकी लोग सारे आगे थे, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और क्योंकि आज हम हमारे साथ एनसीसी के लोग भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये बात को भी हम ध्यान में रखें कि चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप में जब हम इस सारे मसले को डिकोड करने जा रहे हैं तो आर्म फोर्स का रोल सबसे ज्यादा महत्व का है, क्योंकि उसी के आधार पर आप इतनी बड़ी जो है रिस्क उठा रहे हैं, इतनी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, और बल्कि दूसरे की टेरिटरी में जाकर के आप उनकी जमीन को हथिया भी रहे हैं, उनको एक सबक भी सिखा रहे हैं। तो ये सारी बात जो है वो आर्मी के आधार पे ही आप कह पा रहे हैं, क्योंकि आर्मी इंडिया की स्ट्रांग है। हालांकि इस विषय में अगर दूसरा पक्ष देखने लगेंगे कि जहां पर आप अगर एक कंपैरिजन करने लगे कि आपके पास एयरफोर्स कितनी है, आपके पास ग्राउंड ट्रूप्स कितने हैं और इंडिया के पास कितने हैं, तो उसमें उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो विषय यहाँ नहीं है, उसको हम नेक्स्ट किसी टॉपिक में लेंगे जब हम बात करेंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी असेसमेंट जो है इंडिया की अगर हमने करनी हो तो उस पर हम जब बात करेंगे तो उन विषयों पर हम बात करेंगे। लेकिन आर्मी का केवल और केवल एक ही काम है, टू असर्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है आर्मी में जो है 6 उनके काम डिफाइन किए गए हैं, टू डिफेंड द कंट्री इफ अटैक्ड बाय फॉरेन नेशन, और उसके अलावा टू सेंड एम्फीबियस वॉरफेयर इक्विपमेंट टू टेक बैटल टू एनिमी शोर्स, टू फॉलो द कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। ये सारी बातें आप जानते हैं, मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। और पांचवा जो, टू सपोर्ट द सिविल कम्युनिटी इन केस ऑफ डिजास्टर्स, टू पार्टिसिपेट यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ये इनके उसमें दिया हुआ है कि आर्मी जो है ये 6 कामों के लिए इंडिया की आर्मी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो ऑब्जर्वेशन में आप लोगों के साथ इंडियन आर्मी चीफ की लास्ट टू लास्ट जो थे उनकी एक ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि आर्मी को हम अंडर प्रेशर डालते जा रहे हैं, क्योंकि आर्मी के आधार पर ही आप निर्णय ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिकली और पॉलिटिकली आप क्या डिसीजन लेते हैं, ये आज हमारे विचार का विषय है कि क्या जो वहां की लीडरशिप है, चाइना की लीडरशिप है और आज की हमारी जो लीडरशिप है, उसके आपस के जो लेवल है, उनका जो एक स्तर होना चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप का और ब्यूरोक्रेसी का, वो कहाँ तक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है, किस तरह से वो इश्यूज को रिजॉल्व कर रहा है, उसकी ओर ज्यादा आना चाहिए, ना कि आर्मी को प्रेशर करना चाहिए। सो एक अंतिम आप ये एक बात शेयर करके मैं आज के मुख्य वक्ता से आपका परिचय कराता हूँ। एज ए पार्ट ऑफ अवर ओवरऑल स्ट्रेटजी वी हैव नंबर ऑफ कंटीजेंसीज एंड ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन व्हाट द एग्रेसर डज। In the recent years, we have been improving our systems with respect to mobilization, but our basic military posture is defensive. ये बहुत इसका नुकसान उठाना पड़ा है। हम सभी जानते हैं कि हमेशा से एक defensive position रखी हमने, और चाइना की जो aggressive position रही है उसके साथ तालमेल बिठाने में फिर कठिनाइयां आई और हमारे soldiers को बहुत सारे sacrifices करने पड़े। इन सारे मसले के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि ये विषय बहुत व्यापक है, इसलिए इस सारे विषय के ऊपर बात करने के लिए आज हमने जिनको आमंत्रित किया है, मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी, उनको उनसे मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। आर्मी पोस्टल सर्विसेज में वो 21 वर्ष रहे हैं, आप सभी लोग परिचित हैं और स्क्रीन के ऊपर पढ़ भी सकते हैं, मैं उसमें समय ज्यादा नहीं लेता आप लोगों का। लेकिन APS हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड में वो रहे हैं, उसको कमांड किया है, फिर APS हेडक्वार्टर वेस्टर्न और ईस्टर्न कमांड उनको भी उन्होंने कमांड करने का उनको अवसर मिला है और उसको किया है, और फिर एडिशनल DG APS जो है वो अपनी सेवा निवृत्ति उन्होंने हासिल की है, और बहुत सारी उन्होंने पोस्ट के ऊपर काम किया है। बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है और व्यवहारिक अनुभव उनका रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो खूबसूरत बात है
जो प्रशंसा के योग्य बात है, अप्रिशिएट करने के योग्य है, कि साथ ही साथ उनके एकेडमिक इंटरेस्ट भी उतने ही सशक्त रहे हैं। चार पुस्तकें उनकी पब्लिश हो चुकी हैं अलग अलग विषयों के ऊपर, और साथ ही साथ निरंतर उनके आर्टिकल्स और कॉलम्स जो हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होते रहे हैं समय समय पर। और इसके अतिरिक्त तो उन्होंने बहुत तरह के जो वर्कशॉप्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, राइट फ्रॉम रामायण, पंचतंत्र, महाभारत टू इंडो चाइना रिलेशनशिप, इनके ऊपर उन्होंने दिए हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मेजर जनरल अनिल कुमार शौरी जी को कि वो हमारे साथ इस सारे विषय के ऊपर चर्चा करें और हमें इस बात को स्पष्ट करें कि चीन की जो कपट नीतियां हैं, स्ट्रेटेजी है, वो एक्चुअल में क्या है, क्योंकि वहां की बातें तो बाहर उस तरह से नहीं आती जैसे यहाँ का भारतीय मीडिया उछाल उछाल करके देता है, और इंडियन रिस्पॉन्स प्रेजेंट डे अब क्या है, क्योंकि इससे पहले तो संदेह है कि रिस्पॉन्स होता भी था या नहीं था। तो मेजर जनरल अनिल कुमार शौरी जी, वी इनवाइट यू टू डिलीवर। नमस्कार आशुतोष जी। नमस्कार सर, मैं इसको विड्रॉ कर लूं हाँ जी, आप विड्रॉ कर प्रेजेंटेशन। लीजिए। मेरी जी सर, रिक्वेस्ट है मिस्टर विनोद से, जो है उनकी जितनी भी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, वो बार बार जो भी टाइप कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि विनोद जी आप चैट बॉक्स में टाइप करें, और अगर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाए, क्योंकि वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आपकी जो है वो लंबे लंबे सेंटेंसेस आने से वो मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी जब मैं प्रेजेंटेशन करूंगा। सो माय रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अगर जो है रुक जाए तो हमें मदद मिलेगी। जी और कुछ एक लोग जो है उनके माइक भी अगर वो ऑफ कर लें, म्यूट कर लें, तो फिर वो डिस्टरबेंस होने से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती जी है। और प्लीज स्क्रीन शेयर मत कीजिएगा, बहुत रिक्वेस्ट के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी डिस्टरबेंस होती है और सारा थॉट प्रोसेस बिखर जाता है। बहुत मेहनत लगती है इन सारे थॉट्स को सोचने समझने और उसको प्रस्तुत करने में, बहुत मेहनत लगती है। कृपया इन चीजों का ध्यान रखें, इन मर्यादाओं का ध्यान रखें कि ना तो आप माइक ऑन करें और ना ही स्क्रीन शेयर करें, क्योंकि स्क्रीन अगर शेयर कर दी तो जो प्रेजेंटर है, जो कुछ वो शेयर कर रहे हैं, वो फिर आपको नहीं दिखाई देगा। सर प्लीज कैरी ऑन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जरा एक सेकंड। जी सर, ये मेरी प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड आपको सब लोगों को दिखाई दे रही है? जी जी दिखाई दे रही तो है, मैं शुरू करता क्लियर है। हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है हाँ इस टॉपिक के ऊपर कुछ चीजें जो शेयर करने के लिए। डिकोडिंग चाइना स्ट्रेटजी एंड इंडिया रिस्पॉन्स। इससे पहले कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं, हो क्या रहा है कि बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर जिस तरह की डिस्कशंस चलती है, वो डिस्कशंस जो है वो मैं तो बहुत कम देखता हूं, लेकिन जब भी देखने का मौका मिलता है, इट कम्स टू माई माइंड दैट द दे आर जस्ट ट्राइंग टू इंसाइट द पैशन ऑफ द पीपल। वॉर मॉन्गर, एक पोस्ट के ऊपर अगर कोई अटैक हुआ है या जो कुछ भी इंट्रूजन हुआ है, उसका कंक्लूजन जो है गुड नंबर ऑफ टीवी चैनल्स इमीडिएटली एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ कन्वर्ट कर देते हैं। जब तक हम सारा ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो समझ ना लें, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच विल नॉट बी क्लियर टू अस। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को समझने से पहले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना थोड़ा सा बहुत जरूरी हो जाता है। जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाज यूज्ड टू बी माय फेवरेट टॉपिक, और उस समय हम जो पढ़ा करते थे उसी के बेसिस पर मैं जो बात उस वक्त कहा करता था, उस बात को मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं। इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, ओनली परमानेंट थिंग इज कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट। इस कोटेशन को दाएं बाएं करके 3 से 4 साल तक आईएएस के मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहा, प्लीज डिफाइन इंडिया नेशनल इंटरेस्ट विज अ विज इंडिया यूएसए, इंडिया यूएसएसआर, इंडिया चाइना रिलेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है? एक चेस गेम है, इसमें चेस खेली जा रही है, कंट्रीज आपस में चेस खेल रहे हैं, और उसमें जो है कभी कभी कुछ प्यादों का नुकसान भी हो जाता है, लेकिन एवरी कंट्री
follows this basic principle, which is the permanent thing for the country's national interest. इंडिया चाइना पर आने से पहले हमें कुछ और चीजों को समझने की जरूरत है. क्या? With the help of some of the slides, I would like to share with you. कुछ historical facts को जानना बहुत जरूरी है. आप सबको मालूम है 1962 की चाइना की वॉर, इंडिया चाइना आया गया था. पंचशील के प्रिंसिपल आशुतोष जी ने मेंशन किया है. पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ और लोगों ने मिलकर पंचशील का प्रिंसिपल जो है जो किया. उनको उम्मीद थी कि दैट द गुड नंबर ऑफ कंट्रीज स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना विल फॉलो इट, बट दे नेवर न्यू दैट द चाइना विल बिट्रे दैट. ये बात आज हम मिस्टर नेहरू की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन वो हम समय भूल जाते हैं जब हम खुद बैठकर प्रेसिडेंट चाइना के प्रेसिडेंट के साथ अहमदाबाद में या किसी और जगह में जब हम बैठते हैं या बात करते हैं उनके साथ मिलकर झूला झूलते हैं. ये दोस्ती का हाथ जो है मिस्टर नेहरू ने बढ़ाया था, तो दोस्ती का हाथ जो है प्राइम मिनिस्टर ने भी उनकी तरफ बढ़ाया. लेकिन इस दोस्ती के ऊपर अटैक चाइना ने 1962 में भी किया था और अभी भी किया. जनरल साहब एक सेकंड, ये बीच में कोई डिस्टर्ब कर रहा है. यू कैन म्यूट हिम, आप म्यूट कर सकते हैं उनको इधर से. हाँ, मैं थे वो, फिर मुझे भी स्क्रीन करनी पड़ती है. अब प्लीज नलिनी जी, नलिनी मैडम प्लीज म्यूट कीजिए अपने को. ओके, सो 1962 में जो चाइना ने हमारे सर आपकी आवाज नहीं आ रही. जनरल साहब प्लीज एक मिनट. मैडम नलिनी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. व्हाट इज दिस? हाँ जी जनरल साहब प्लीज आप अपने को अनम्यूट कीजिए एक बार प्लीज. जनरल साहब आर यू लिसनिंग मी? हेलो जी, आवाज आ रही मेरी? अब आ रही है सर. ये बीच में बहुत कठिन हो जाता है कि इस तरह का जो डिस्टरबेंस करते हैं. प्लीज मेरी एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बीच में माइक अनम्यूट मत करें, स्क्रीन शेयर मत करें, क्योंकि फिर जो चीजें देखने वाली हैं वो बाकी लोग नहीं देख पाएंगे. प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इस मर्यादा को समझें थोड़ा सा. बार बार डिस्टर्ब करना स्पीकर को ये अच्छी बात नहीं है, उसका थॉट प्रोसेस ही टूट जाता है. मेरी ये स्क्रीन विजिबल है अभी आपको? नहीं सर, आपको दोबारा से करनी पड़ेगी. ओके, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ जी. दोबारा कर रहा हूं मैं. बड़ा मुश्किल हो रहा है यार, एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट. हाँ जी, आ गया क्या? Could you see? हाँ जी देख पा रहे हैं. मैं स्टार्ट करूं फिर क्या? हाँ जी प्लीज. ओके, करें. होपफुली नाउ नो वन अनम्यूट. बात ये हो रही थी कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस. हमें इस बात को हिस्टोरिकली समझने की जरूरत है. एंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि 1962 की वॉर में हिंदुस्तान चाइना अगर एक फ्रेंडशिप का रोल प्ले कर रहे थे, तो उस वक्त जब बिट्रे किया था हिंदी चाइनी बाई बाई के स्लोगन को, वही सिचुएशन आज भी हुई है. एंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से दैट नाइदर आई एम डिफेंडिंग मिस्टर नेहरू नॉर क्रिटिसाइजिंग मिस्टर मोदी, लेकिन दिस इज द फैक्ट के जिसको हमें जानने की जरूरत है.
71 की वॉर में पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध हुआ, आपको ख्याल होगा द यूएस का 7th फ्लीट इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान रीच्ड इन इंडियन ओशन इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसका मतलब यूएसए उस वक्त पूरी तरह से हमारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया था टू अटैक इट। लेकिन उसी वक्त मिस्टर स्वर्ण सिंह वाज द फॉरेन मिनिस्टर, मिस्टर ग्रोमिको वाज द स्वर्ण सिंह वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर ग्रोमिको फ्रॉम यूएसएसआर। इंडिया और यूएसएसआर ने एट दैट टाइम 20 इयर्स फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी आपस में। अब देखिए उस वक्त पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है और यूएसए पाकिस्तान की सपोर्ट में आ रहा है और यूएस को काउंटर करने के लिए इंडिया यूएसएसआर के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। और उसके बाद क्या हुआ 90s में व्हेन द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्रोसेस स्टार्टेड, और उसी वक्त जो है यूएसए का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, इंडिया एंड द यूएसए केम क्लोजर। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का जो जबरदस्त इंडिया की फेवर में एक समझौता हुआ था या सपोर्ट मिली थी, एट दैट टाइम इंडिया और यूएसए के संबंध जो 70s में बिटर थे 90s में आकर दोस्ती के हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। लेकिन पिछले कुछ सालों से रशिया हैज अगेन इमर्ज ए स्ट्रॉन्ग पावर एंड टुडे वी हैव गॉट गुड नंबर ऑफ डिफेंस डील्स विद रशिया। एंड हाउडी मोदी होता है, फिर यूएसए में हम जाते हैं और जिनपिंग के साथ बैठकर हम झूला भी झूलते हैं। अब ये सारी जो डेवलपमेंट्स मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ये चलती रहती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। यू नाइदर यू कैन क्रिटिसाइज मिस्टर ए नॉर यू कैन डिफेंड मिस्टर बी, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द बैकग्राउंड व्हिच हैपनिंग अबाउट व्हिच पीपल आर नॉट अवेयर एट ऑल। इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अब जरा मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूं इंडिया और चाइना का ट्रेड 2007 एंड 8 ऑनवर्ड्स। अगर आप 217 से लेकर 217-18 की फिगर्स देखें, द एक्सपोर्ट्स की फिगर्स आपके सामने है, इंपोर्ट्स की फिगर है। हाउ मच द इंपोर्ट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2007 टू 2017-18 आपके सामने फिगर्स है, आई नीड नॉट रीड इट। एंड सिमिलरली एक्सपोर्ट्स आर ऑल्सो स्लाइटली इंक्रीजिंग, बट देयर इज ए ह्यूज गैप कि चाइना से हमारे पास कितना ज्यादा माल आ रहा है। और अब आप 17-18 तक कीमत देखिएगा, और यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि उस जमाने में किसकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार अब है, कांग्रेस की तब थी, कांग्रेस ने यूएस चाइना के साथ ये कर लिया, बीजेपी ने ये कर लिया वगैरह। फिगर्स को देखिए इंडो चाइना ट्रेड 17-18 के बाद टिल फरवरी 20 जो इंडिया का इंपोर्ट है चाइना से वो कम नहीं हुआ, मार्जिनली 18-19 के मुकाबले में मार्जिनली डाउन हुआ है। उसके पीछे कोई ये कारण नहीं है कि चाइना ने वहां पर जो है आकर पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया है। सो मेनी इकोनॉमिक रीजंस आर देयर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट एज फार एज दैट द इंडो चाइना ट्रेड इज कंसर्न एंड द इंपोर्ट इज कंसर्न, इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन एवरी गवर्नमेंट रेजिम। उसके बाद इंडियन स्मार्टफोन के बारे में आपको मालूम है, वीवो से एप्पो से लेकर इतनी कंपनीज हैं जो चाइनीज कंपनीज जिसको डोमिनेट कर रही हैं। 4 out of the top 5 कंपनीज आर बिलोंगिंग टू द कंट्री आर डोमिनेटेड बाय चाइनीज कंपनीज, मोबाइल कंपनीज। एंड एज पर फिक्की चाइना हैव इन्वेस्टेड इन द फॉलोइंग इंडियन सेक्टर्स। व्हेन वी से इन्वेस्टेड इट मींस दैट ही हैज इन्वेस्टेड इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन कंपनीज एंड दिस इन्वेस्टमेंट हैज नॉट टेकन प्लेस इन लास्ट 20 इयर्स, इट हैज मेजॉरिटी हैज टेकन सिंस लास्ट 10 इयर्स ऑफ सो, जिसमें आपके सामने है ऑटोमोबाइल मेटलर्जिकल पावर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। सो ये है इंडो चाइना का ट्रेड का सिनेरियो एज ऑन डेट। एंड माइंडेड आगे आपको स्लाइड्स में मैं दिखाऊंगा कि चाइना सिर्फ इंडिया में ही नहीं और कहां कहां पर इकोनॉमिकली अपने आप को फैला चुका है, और ये इकोनॉमिकली अपने आप को स्प्रेड करना इट डज नॉट हैपन इन वन डे, इट टेक्स डिकेड और डिकेड्स। Alibaba Capital Partners, they have already invested $2 billion in Indian companies since 2015. Out of 4.64 million tons of steel sold by Indian firms, China bought 1.33 million tons. ये मैं इसलिए फिगर बता रहा हूं भाई हमारा भी व्यापार चाइना के साथ चल रहा है। ये स्टील की मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल्स दी है क्योंकि इससे आपको आइडिया हो कि चाइना हमसे भी जो है बहुत सारा सामान ले रहा है, हालांकि देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन द इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट, और हमारा जो है जो डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हमें लॉस होता है। नाउ फॉर दिस लॉस यू कैन नॉट ब्लेम चाइना, यू हैव टू ब्लेम योरसेल्फ।
that you have to import the things, and there are hardly any things which you can export in comparison to the statistical figures of Chinese imports, because economically China is dominating. ये फैक्ट हमें जानने की जरूरत है. लेकिन जो हम आज का टॉपिक है उसके ऊपर मैं आपको लाना चाहता हूं. वी नीड टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल जियो पोलिटिकल सिनेरियो. आपके सामने एक मैप है, यू सी, हैव अ लुक. चाइना, चाइना की अगर आप बाउंड्रीज को देखें तो ऊपर की तरफ वो मंगोलिया को टच कर रही है, रशिया को टच कर रही, और रशिया के साथ साथ वो नॉर्थ कोरिया को भी टच कर रहा है. If you come to the left side of your screen, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है. These are basically erstwhile Russian states only. तो in other words, USSR जो होता था, उसके साथ जो है इतनी लंबी सीमा चाइना की टच करती है. नीचे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, और उसके बाद म्यांमार, लाओस, वियतनाम, इन सारे कंट्रीज के साथ चाइना की बाउंड्री आज की तारीख में टच कर रही है. आपको ये जियोग्राफिकल सिनेरियो भी समझने की जरूरत है. एंड लेटर ऑन व्हेन विद द हेल्प ऑफ सम अदर स्लाइड्स आई विल एक्सप्लेन, यू विल कम टू नो दैट व्हाई आई हैव शोन दिस स्लाइड्स, के हाउ द चाइना इज ट्राइंग टू एक्सपैंड इटसेल्फ. ओके, नो एज फार एज दैट इंडिया इज कंसर्न, आशुतोष जी ने भी एक मैप दिखाया था. इफ यू हैव अ लुक एट इट, अक्साई चिन का एरिया. Now, Aksai Chin ka area is very, very important and crucial, which has been taken over basically by China during the 1962 war. Aur ye jo ek isme Pakistan occupied Kashmir jo disputed hai, aur usi mein se kuch portion jo hai wo Pakistan ne China ko de diya hai. So Pakistan ne kuch area China ko de diya, Aksai Chin ka area China ke paas aa gaya, aur isse kya hua agar aap map par dekhe कि जो कश्मीर का जो एरिया है वो डिस्प्यूट में आ गया है, एरिया हेल्ड बाय चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया वो डिस्प्यूट में आ गया. इसी की तरह जहां डिस्प्यूटेड एरियाज डिस्प्यूटेड बॉर्डर लिखा हुआ है, ये बहुत क्रूशियल है, बिकॉज दे आर टचिंग अवर स्टेट्स राइट फ्रॉम हिमाचल टू उत्तराखंड टू लद्दाख. इन स्टेट्स को इनका डिस्प्यूटेड बॉर्डर टच कर रहा है. और एंड में जाकर अगर आप देखें जहां आपको तवांग लिखा हुआ है, वो तवांग मीन्स एट द अरुणाचल प्रदेश का एरिया. अरुणाचल प्रदेश का एरिया बहुत सारा चाइना खुद क्लेम करता है कि एक्चुअली इट डज नॉट बिलोंग टू इंडिया, इट बिलोंग्स टू चाइना. इन अदर वर्ड्स, आप पूरे मैप को देखें तो कहां से लेकर कहां तक जो है चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, आप आज जो है सिर्फ ऊपर अक्साई चिन या गलवान वैली को मत देखिए, आप देखिए कि चाइना का डिस्प्यूटेड एरिया इंडिया के साथ नॉर्थ ईस्ट तक है. इफ टुमारो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द नॉर्थ ईस्ट, इट मींस देयर विल बी अ बिगर प्रॉब्लम फॉर इंडिया. दिस इज द जस्ट फैक्ट व्हिच यू शुड कीप इनटू माइंड. डरा नहीं रहा, आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स रख रहा हूं पहले. अब मैंने आपको दिखाया था, एक सेकंड में पीछे जाऊंगा, ये मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी कि टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963. अब ये जो एरिया जो है पाकिस्तान ने चाइना को दिया, उसके बाद क्या हुआ है, चाइना ने काराकोरम हाईवे से होते हुए एक 1264 किलोमीटर का एक हाईवे बना दिया है, विच इज लिंकिंग. अगर आप मैप पर नीचे देखे, ग्वादार इज नियर पिशावर, उसके पास जो ग्वादार पोर्ट है उस पोर्ट को लिंक करते हुए चाइना ने इस हाईवे को बना दिया है. चाइना इज यूजिंग दिस हाईवे एंड ही इज यूजिंग दिस ग्वादार पोर्ट आल्सो टू ट्रांसपोर्ट चाइनीज गुड्स थ्रू दिस हाईवे थ्रू दिस पोर्ट टू द अदर कंट्रीज. आगे एक बड़ा मैप आएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो, बट जियो पोलिटिकली ये आप इसको समझिए कि ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसको हम कहते हैं कि हम ले लेंगे, हम लेना है, बिल्कुल लेना है, लेकिन चाइना पाकिस्तान इसके ऊपर ऑलरेडी इसका यूज इस तरह से कर रहे हैं कि अपना एक उन्होंने सॉलिड हाईवे बनाकर एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एस्टेब्लिश कर दिया है, CPEC जिसको कहा जाता है. एंड दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज कंट्रोल्ड टोटली बाय चाइनीज कंपनीज. उसके लिए लोन भी उन्होंने पाकिस्तान को दिया है, वर्कर्स भी अपने बेचे हैं, कंस्ट्रक्शन भी अपनी की है, और उसके बाद जो है उसको यूज भी कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सेंडिंग देयर गुड्स टू द अदर कंट्रीज थ्रू ग्वादार पोर्ट. अब इसको जरा बड़े मैप पर देखते हैं. अब आपके सामने जो है एक बड़ा मैप आ गया.
इस मैप के ऊपर जो है आपके सामने ये चाइना है, चाइना के साथ ये डिस्प्यूटेड एरियाज मैंने दिखाए थे वो सारे आ जाते हैं यहाँ पर, तजाकिस्तान कजाकिस्तान से होते हुए। और ये देखिए ये पाकिस्तान, पाकिस्तान का ये जो ग्वादार पोर्ट है ये नीचे की तरफ को है, इसी पोर्ट के जरिए चाइना जो है सऊदी अरेबिया ईरान और दूसरे और कंट्रीज को अपनी गुड्स भेज रहा है। इसी पोर्ट का यूज करते हुए चाइना इज सेंडिंग इट्स गुड्स टुवर्ड्स अफ्रीका आल्सो, जो नीचे की तरफ को सूडान इथोपिया सोमालिया यमन ओमन ऐसे ऐसे कंट्रीज आते हैं। सो स्ट्रेटजिकली दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन अदर वर्ड्स दिस पीओके इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर चाइना। और जब कभी हमारे बचकाने लीडर्स टीवी पर आकर स्टेटमेंट दे देते हैं कि अब हमारा अगला टारगेट जो है 370 के बाद पीओके है, चाइना चिढ़ जाता है। ये जो सारे डिस्प्यूट हो रहे हैं हमारे बचकाने लीडर्स की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की वजह से चाइना की चिढ़, वो भी एक है। एंड ही आल्सो वांट्स टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया कि पीओके या सीपीसी की तरफ को अगर आपने कोई स्टेप लिया तो मैं यहां पर इस इलाके में इस तरह की डिस्टर्बेंस कर सकता हूं। ये गेम चल रही है, ये पॉलिटिक्स चल रही है, ये इंटरनेशनल पावर प्रेशर जिसको कहा जाता है वो पावर प्रेशर पॉलिटिक्स का सिनेरियो ओवरऑल चल रहा है। ये आपने मैंने मैंने आपको ये पाकिस्तान और इस तरफ का दिखाया, और भी मैप्स आएंगे उससे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अब थोड़ा सा जो है हमने ये ज्योग्राफिकल सिचुएशन समझी, हम इंडो पैसिफिक रीजन को भी समझ लेते हैं। अब इंडो पैसिफिक रीजन, ये जो मैंने ब्लू बाउंड्री लगा रखी है, राइट साइड में साउथ कोरिया है और इसी के नीचे लिखा हुआ ईस्ट चाइना सी, और इसके नीचे जहां ये वर्ल्ड पैसिफिक के ऊपर वियतनाम है इसी के साथ ही लिखा हुआ है साउथ चाइना सी। ये जो ईस्ट चाइना सी साउथ कोरिया से होता हुआ, फिलीपींस से होता हुआ, इंडोनेशिया से होता हुआ, ये आगे इंडियन ओशन की तरफ को जो जा रहा है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल फॉर चाइना, फॉर इंडिया, फॉर ए नंबर ऑफ कंट्रीज लाइक एशियन कंट्रीज, एंड नाउ यूएसए हैज आल्सो स्टार्टेड टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियसली। कैसे है मैं आपको बताता हूं। व्हाई इज द साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट टू ट्रेड? वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स मैरिटाइम शिपिंग पासेस थ्रू इट। 3 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है चाइना का, बेसिकली चाइना का। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स आर बिलीव टू लाई बीनीथ इट्स सी बेड। चाइना को मालूम है कि किसी ना किसी समय में आकर उसकी डिपेंडेंसी जो है वो सऊदी अरेबिया या दूसरे कंट्रीज के ऊपर कम हो जाएगी, उसकी नहीं, रादर द गुड नंबर ऑफ कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड दे विल आल्सो फील के भी ये अब जो है अरेबियन कंट्रीज में ऑयल पेट्रोलियम के रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, क्या करें, या तो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी बनाएं या विंड सन सोलर उसकी तरफ को चले। बट चाइना नोज दैट इफ ही कंट्रोल्स दिस साउथ चाइना सी, नॉट ओनली इट्स ट्रेड गो स्मूथली बट देर आर ह्यूज ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स जिसके पर वो फ्यूचर में कब्जा करने के चक्कर में है। एंड इट ऑल्सो कंटेन लुक्रेटिव फिशरीज विच आर क्रूशियल फॉर द फूड सिक्योरिटी ऑफ मिलियंस इन साउथ ईस्ट एशिया। हमको छोड़कर साउथ ईस्ट एशिया दूसरे कंट्रीज में उनका खाने का, उनका ट्रेड का और बहुत सारी चीजों के लिए डे टू डे यूसेज के लिए जो जितनी फिशरीज है उनका जो उनको मिलता है समुद्र से, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम। सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ चाइना सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर एक और मैं इसको स्लाइड के थ्रू दिखाता हूं आपको कि ये मैंने दो जो दिखाई हैं, दो मैप और आएंगे उससे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन सबसे पहले यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस स्टैटिस्टिक्स दैट परसेंटेज ऑफ इंपोर्टेड ऑयल कमिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट। चाइना का 39% जो है इंपोर्टेड ऑयल आज उधर से आ रहा है, यूरोप का 21% आ रहा है, यूएसए का 16% आ रहा है, और ये सारा कहां से आ रहा है, ये वाया सी ट्रेवल करता है, वाया समुंदर ये आता है। जापान का 80% जो है वो इसमें से इंपोर्टेड ऑयल मिडिल ईस्ट से इसी रूट से ट्रेवल करता है। और इसके अलावा जो मैंने आपको शुरू में बताया था दैट ग्वादार पोर्ट के थ्रू चाइना वांट्स टू सेंड इट्स गुड्स टू द अफ्रीकन कंट्रीज, चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली इन एवरी सेक्टर। रेल भी बना रहा है वहां पर, रोड भी बना रहा है, क्यों, उसको मालूम है कि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज कितने ज्यादा हैं कि वो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ उनके साथ टाइप करेगा, उनको फैसिलिटेट भी करेगा, अपने को कम रेट पर सप्लाई भी करवाएगा और बदले में चाइनीज गुड्स भी उनको बेचेगा।
सो चाइना की इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में बढ़ती जा रही है, रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलाका, अभी मैंने आपको साउथ चाइना सी दिखाया था, अभी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उधर से ईस्ट चाइना सी, नीचे ताइवान है, फिर फिलीपींस है, साउथ चाइना सी है, और ये जो एरो है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। नाउ दिस स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसी पैसेज के थ्रू सारे शिप आगे जाते हैं, इसी पैसेज के थ्रू। अगर इस पैसेज को ना अडॉप्ट करे तो चाइना को सिंगापुर के साथ एक जो छोटा सा खाली वैक्यूम स्पेस दिखाई दे रहा, उधर से आना पड़ेगा। 6,000 किलोमीटर का रूट उसका जो है वो बन जाएगा, जिसको एलिमिनेट करने के लिए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का यूज किया जा रहा है। और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का भी कोई छोटी नहीं है, अराउंड 800 to 900 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, बट इट सेव्स अराउंड 2,000 to 3,000 किलोमीटर उसकी जो जर्नी उसको बचाती है, और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के जरिए उसके शिप आगे जाते हैं। कहां जाते हैं? स्टेट ऑफ मलाका। एक सेकंड में पिछली स्लाइड आपको फिर दिखाता हूं। ये स्टेट ऑफ मलाका, आगे आपके सामने ये श्रीलंका है। अब आपको ख्याल होगा श्रीलंका का हम्बन तोता पोर्ट, इट हैज बीन टेकन ओवर और लीज फॉर 99 years बाय चाइना। इन अदर वर्ड्स, चाइना ने श्रीलंका के एक इंपॉर्टेंट क्रूशल पोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया है, और कल को अगर जरूरत पड़े चाइना कैन यूज दिस पोर्ट मिलिटरली अगेंस्ट इंडिया, बट एज ऑन डेट He has got a another halting point, another port at Sri Lanka. तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के साथ साथ वो श्रीलंका के साथ भी अपना वो टाई अप सॉलिड कर चुका है। और इसी मैप के ऊपर अगर आप ऊपर को देखें, जहां बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर नेपाल है, भूटान है। चाइना भूटान और नेपाल के साथ भी अपनी संधि पूरी तरह से कर चुका है। और आपको ख्याल होगा कि अबाउट 2 weeks बैक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैज टू रश टू बांग्लादेश, क्योंकि चाइना ने बांग्लादेश के साथ कितने मिलियन डॉलर का एक ट्रेड डील किया था। नेपाल जो है उसमें जब से प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई है, इट हैज टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना ड्रास्टिकली। और नेपाल को मालूम है कि कुछ साल पहले जब उसका ट्रेड ब्लॉकेट इंडिया ने किया था, तो उसको यूएनओ में जाकर इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट करना पड़ा था। नेपाल को मालूम है, वो चाहता है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो इंडिया की बजाय चाइना के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहे। भूटान की आर्मी को हथियार सप्लाई चाइना कर रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इंडिया के बॉर्डर के ऊपर जो दूसरे कंट्रीज जिनकी बाउंड्री कॉमन है इंडिया और चाइना के साथ, चाइना उनके साथ दोस्ती बना चुका है। नीचे की तरफ को जो समुन्द्र के पास है श्रीलंका, उसके साथ दोस्ती बना चुका है। लेफ्ट साइड में पाकिस्तान चाइना का नेक्सस ऑलरेडी चल रहा है, थ्रू सीपीईसी चाइना पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में कर चुका है। और ट्रेड रूट को अगर हम देखें तो स्टेट ऑफ मलाक्का इसको चाइना पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना चाहता है। कैसे? ताकि इस स्टेट ऑफ मलाक्का से होते हुए उसके शिप आगे गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ये जो ऊपर एक कर्व आ रहा है ओमान के ऊपर, यहां पर लिखा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्टेट ऑफ होर्मुज और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रूट हैं, और चाइना चाहता है इन रूट्स के ऊपर उसका कंट्रोल रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और उसके शिप जो है वो रहे। ये एक बहुत बड़ी गेम प्लान है, विच कैन नॉट बी प्लेड इन 15 days, इट टेक्स 2 to 3 decades। अब ये थोड़ा सा ओवरऑल सिनेरियो देखिए, अब मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको। आपने ये इंडिया चाइना तो सारे देख लिए, नीचे आपने वियतनाम भी देख लिया, फिलीपींस भी देख लिया, इसी के नीचे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, और उसके राइट को जाएं तो बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स आपको मिलेंगे। पापुआ न्यू गिनिया है, सोलोमन आइलैंड्स है, नौरू है। लेकिन ये आप समुंदर में, इन सारी चीजों को मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि चाइना को मालूम है, बिकॉज एशियन कंट्रीज, ASEAN, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस वगैरह वगैरह है, और एशियन और इंडिया की दोस्ती जो है आजकल थोड़ी बढ़ रही है। चाइना को पता है कि अगर कल को इंडिया और एशियन की दोस्ती ज्यादा गहरी हो गई तो उसके लिए ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या ये चाइना साउथ चाइना सी रूट है, इसमें अगर प्रॉब्लम आ गई तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर चाइना अपना कब्जा बनाकर रखना चाहता है। कौन से आइलैंड्स? ये जो रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं, इनको 9 डॉट्स कहता है यूएनओ, इसको 9 डॉट्स कहता है, लेकिन चाइना ने अब इनको 12 डॉट्स कहना शुरू कर दिया, बिकॉज चाइना सेज देर नॉट 9, रादर देर टोटल 12 सच आइलैंड्स। ये पैरासल्स आइसलैंड है, स्प्रेटी आइसलैंड है, दीज आर क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स। चाइना क्लेम्स दैट दीज आइलैंड्स बिलोंग टू चाइना। Now there is a huge dispute between China and Philippines and other countries. लेकिन
चाइना इनके ऊपर अपना कब्जा बताता है और कुछ एक आइलैंड्स के ऊपर उसने अपना कब्जा कर भी लिया है। अब देखिए एक और चीज क्या हुई है, चाइना को मालूम था कि इनमें से कई आइलैंड्स हो सकता है कभी उसके हाथ से निकल जाए, या हो सकता है चाइना विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू कंट्रोल एंड डोमिनेट दैम। व्हाट चाइना हैज डन, अब यू विल बी शॉक टू नो ये क्या है, दिस इज अ आर्टिफिशियल आइलैंड। जो रीफ होते हैं ना, ये रीफ की मदद से चाइना ने समुद्र में आइलैंड्स से थोड़ा थोड़ा दूर कुछ ऐसे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर उनके ऊपर एयर स्ट्रिप बनानी शुरू कर दिया है। इट्स जस्ट वन एग्जांपल, देयर आर सो मेनी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सी रूट को चाइना फ्यूचर के लिए पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि सारी इकोनॉमी उसकी चाइना की इधर ही से ट्रेवल करती है। चाइना का ओवरऑल एंगल क्या है, वो ऐसे सब क्यों कर क्यों रहा है? हम कह सकते हैं कि व्यापार के लिए कर रहा है, बिजनेस के लिए कर रहा है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। अभी 40-45 मिनट में जितना भी मैं बता सकता हूं, आई विल ट्राई टू शेयर चाइनीज एंगल क्या है। फर्स्ट एंगल इज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। सी दैट, हम बहुत बार अपने पुराने इतिहास की बात करते हैं कि किसी जमाने में हमारा जो है वो भारत, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वो और सारा हमारी बाउंड्रीज जो है कहां से कहां तक होती थी, चाइना की भी होती थी। चाइना अपनी पुरानी मिंग डायनेस्टी, सोंग डायनेस्टी और हैन डायनेस्टीज के टाइम पर जहां तक था वहां तक पहुंचना चाहता है, हिंदुस्तान भी पहुंचना चाहता है, लेकिन चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को धीरे 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 आगे बढ़ा रहा है। एंड इट नोस सिंस लास्ट 20-30 इयर्स के मिलिटरली यू कैन नॉट कंट्रोल एंड डोमिनेट एनी अदर कंट्री बिकॉज ऑफ द एटॉमिक वेपन्स एंड द न्यूक्लियर पावर। सो यू कैन कंट्रोल द अदर कंट्रीज इजिली इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली ही वो सबको अपने कब्जे में ले रहा है और ऑफकोर्स नाउडेज विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी आल्सो। सो फर्स्ट एंगल फॉर ऑल दीज थिंग्स इज expansionist policy, and the second is China working on to build a new modern socialist Tibet. इस सारे सिनेरियो में हम तिब्बत को भूल गए, वो भी हमारी बाउंड्री पर है। चाइना तिब्बत को अपने पैरों पर खड़ा कर रहा है और वो कह रहा है कि तिब्बत यू आर जस्ट पार्ट ऑफ मी, तो तुम अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाओ एंड यू शुड बिकम ए न्यू मॉडर्न सोशलिस्ट तिब्बत, इसके ऊपर वो काम कर रहा है। चाइनाज आईज आर ऑन अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वो कहता है अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे एरिया जो बाउंड्री का जहां पर कॉमन है इंडिया के साथ, वो चाइनीज कल्चर हिस्ट्री लैंग्वेज के ही है। सो चाइना का शुरू से अरुणाचल प्रदेश के ऊपर एक क्लेम रहा है और इसीलिए ब्रह्मपुत्रा के पानी के फ्लो को चाइना इन फ्यूचर में कंट्रोल करने के चक्कर में है। देर आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स विच आर बीइंग प्लेड इन दैट रीजन। सो एक्सपेंशन पॉलिसी है, तिब्बत को खड़ा करना चाहता है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर उसकी आंख है, बर्मा और नेपाल के ऊपर उसकी आंख है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको अपने आप में मर्ज करना है, दे वांट दैट दे शुड बी इट्स स्ट्रॉन्ग एलाइज एंड ऑल दीज कंट्रीज, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, ये हिंदुस्तान के बॉर्डर पर है। एंड यू प्लीज नोटेड कि जितनी नक्सलाइट मूवमेंट होती है, जितने हथियार होते हैं, जितनी स्मगलिंग होती है, वो नेपाल के थ्रू होती है और वो चाइना जो है उसको पूरा सपोर्ट करता है। तो ये चाइना का भी एंगल है। इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स, उसने जो वन बेल्ट वन रोड का अपना प्रोजेक्ट बनाया है और जिसको कहता है कि पुराने जमाने में एक सिल्क ट्रेड रूट होता था, उसको वो रिवाइव करना चाहता है। कैसे रिवाइव करना चाहता है, आई विल शो विद द हेल्प ऑफ वन स्लाइड आल्सो। सो व्हेन वी से दैट ही वांट्स टू रिवाइव द रूट, इट मींस दैट He wants to expand itself throughout the world. उसके लिए जो है ये गवलान जो है वो ही एक मसला नहीं है, उसके सामने मसला ये है कि मैंने सारे एशिया में और सारी दुनिया में अपने आप को कैसे स्प्रेड करना है। He wants to play a big brother attitude in Asia. कुछ सालों से ये जब ये हिंदुस्तान में बात चल रही है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी पावर है, चाइना को चिढ़ मची हुई है कि सारे एशिया में अगर कोई है पावर तो मैं ही हूं, मेरे सामने बाकी सब छोटे हैं। And USA and USSR का सुपर पावर का सिंड्रोम जो वर्ल्ड में वो खत्म हो चुका है। USA is no more super power. USSR are already disintegrated. So he wants to establish as a big brother in Asia and the one of the or topmost super power throughout the world. ये है सिल्क रोड ट्रेड रूट। अब देखिए प्रपोज्ड सिल्क रोड रूट
रोड का मतलब ये नहीं है कि सड़कें बना रहा है, वो एक इकोनॉमिक बेल्ट जो है वो बना रहा है, और जिसमें मैरिटाइम सिल्क रोड और जिसके थ्रू वो पाइपलाइंस बिछा रहा है ऑयल और नेचुरल गैस के लिए, रेल रोड बना रहा है, एंट्री पॉइंट बना रहा है, और ये जितने भी आपको ये जो लाइंस ज्वाइंट करती दिखा रही हैं, ये इसमें से इफ यू सी कि जहां पर क्रॉस लगा हुआ है ब्लैक में जैसे अगर आप चाइना के ऊपर राइट को देखें, नॉर्थ कोरिया इसके साथ ब्लैक के ऊपर व्हाइट क्रॉस लगा हुआ है, दीज आर द एग्जिस्टिंग, और नीचे की तरफ को देखें ये चाइना के नीचे जो है दीज आर एग्जिस्टिंग, और दूसरा जो है जहां पर पिंक सा क्रॉस लगा हुआ दीज आर द प्रपोज्ड, ये रेल रोड एंट्री पॉइंट्स वो प्रपोज कर रहा है। और आज की तारीख में वो उसने जो इंडिया ने ईरान के साथ चबहार पोर्ट का एग्रीमेंट किया था, वो उसने अब ईरान के साथ भी $200 मिलियन का एक इकोनॉमिक पैक्ट कर लिया है। और अफसोस की बात यह है कि तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट जो हमने प्रपोज किया था बांग्लादेश को, वो हम पिछले 5 साल से जो है प्राइम मिनिस्टर मनोज मोदी 5 साल पहले वहां पर विजिट करने गए थे, उसके बाद भी कई विजिट्स हुई, वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। नाउ बांग्लादेश हैज स्टार्टेड टर्निंग टुवर्ड्स चाइना, नेपाल ऑलरेडी टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना। सो ट्रेड के हिसाब से, डोमिनेंस के हिसाब से और फ्यूचर एक्सपेंशन के हिसाब से चाइना की ये जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है, इट इज वर्किंग अकॉर्डिंगली, दिस इज हिज प्लान, दिस इज हिज स्ट्रेटजी। चाइना का जो है प्लान बताया आपके सामने कि उसकी जो है उसकी उसकी क्या है मन में क्या है या स्ट्रेटजी के ऊपर क्या काम होता है, इंडिया के सामने ऑप्शंस क्या है, इंडिया क्या करे, तमाशा देखता रहे क्या? बिल्कुल नहीं। कैसे तमाशा देखेंगे हम? इंडिया ऐसा नहीं है कि इंडिया कुछ कर नहीं रहा है, और ये भी नहीं है कि इंडिया ने कल से कुछ करना शुरू किया। इंडिया इज आल्सो वर्किंग ऑन सो मेनी थिंग्स सिंस लास्ट 20-30 इयर्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई 1-2 साल में काम नहीं होता, इसके लिए टेक्स अबाउट 10-20 इयर्स। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है 2 साल में नहीं बन गया, इसके ऊपर पिछले 10 साल से काम चल रहा था, लाइक दैट। सो व्हाट आर द इंडियन ऑप्शंस? इंडियन ऑप्शंस वी ट्राई टू सी slicing the salami, tit for tat. China, गलवान में, डोकलम में एक पोस्ट आ गई, वो पोस्ट आगे आगे आ गया। सो द ऑप्शन इज, जैसा पिछले 2-3 दिनों में हुआ है कि चुशुल की तरफ को इंडिया ने कहा है यू स्लाइस द सलामी, इसको स्लाइस द सलामी मतलब थोड़ा सा हिस्सा हम भी तेरा छीनते हैं, और आपको जैसा कर रहे हो वैसा हम किसी दूसरे सेक्टर में जो हम आपको करके दिखाएंगे। चाइना की पॉलिसी रही है 2 step forward 1 step backward, मतलब थोड़ा सा आगे चले जाओ और बाद में जो है एग्रीमेंट कर लो, टॉक्स कर लो, नेगोशिएशन कर लो, और थोड़ा सा पीछे हट जाओ, एंड व्हेन यू कम बैक स्टिल यू रिटेन मेजोरिटी ऑफ दैट एरिया। 25 से ज्यादा आर्मी चाइनीज के साथ हमारी मीटिंग्स नेगोशिएशन हो चुकी हैं, जिसको वो ट्रैक कर रहा, एंड लास्ट कपल ऑफ डेज इट्स ओनली हैपन दैट इंडिया हैज यूज्ड इट्स फर्स्ट ऑप्शन स्लाइसिंग द सलामी, विच यू कैन कॉल, अब टीवी चैनल पर आ गया कि 62 के बाद हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। बिल्कुल कर ली, कोई फतह नहीं हासिल की, इट्स अगेन ए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स टू पुट ऑन चाइना दैट इफ यू कैन डू देयर आई कैन ऑल्सो डू देयर, सो आई विल कम बैक बट यू ऑल्सो गो बैक। So, ये सारा जो है ये सारा प्रेशर पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चलता है। नाउ इंडिया विल हैव टू ओपन न्यू ट्रेड ऑप्शंस विद एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज को वी कंपेयर, मैंने एक सार्क के ऊपर एक वेबिनार किया था, एशियन कंट्रीज का ओवरऑल ट्रेड ओवरऑल ग्रोथ इज ड्रामेटिकली, इट हैज इंक्रीज्ड सिंस लास्ट 10 इयर्स। और हमने क्या किया, हम पिछले 10 साल से ये सार्क कंट्रीज की कॉन्फ्रेंसेस जो है कभी दिल्ली में कर लो, कभी इस्लामाबाद में कर लो, 4 साल से तो देयर हैज बीन नो कॉन्फ्रेंस आल्सो, एंड वी हैव बीन डूइंग द कॉन्फ्रेंसेस एंड डूइंग सम बायलैटरल टाइप ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, व्हाइल एशियन कंट्रीज फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू दे हैव बिकम ए पावर, अब उनको यूएनओ भी जो है रिकॉग्नाइज करता है। और इंडिया के सामने सिंस लास्ट 10 इयर्स, rather since last 10 years there have been so many options to establish the highways with the countries like Myanmar and the Laos and the Cambodia, aur highways ke upar kaam bhi shuru kiya, lekin pichle 5-7 saal se
उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ है एंड इफ इट रिमेन्स एज इट इज देन इवन द एशियन कंट्रीज विल आल्सो माइट फील स्टार्ट फीलिंग बैड बट दिस ऑप्शन इज स्टिल ओपन दैट इंडिया शुड हैव मोर एंड मोर ट्रेड ऑप्शंस विद एशियन इफ दे हैव मोर ट्रेड ऑप्शंस विद एशियन कंट्रीज इट्स डिपेंडेंसी ऑन द चाइनीज एक्सपोर्ट्स विल स्टार्ट कमिंग डाउन By just banning app, you cannot fight a country who is giving you that so much that the billion dollars goods. So, on billion dollars ki goods ko reduce karne ke liye, you have to have the other options as far as the trade is concerned. And the third option with India is Atmanirbhar. बहुत अच्छी बात की है प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पर सवाल यह है कि वो आत्मनिर्भर होने के लिए हमारी policies भी जो है should be the conducive enough. Infrastructure should also be there. Coincidentally, because of the COVID, there are so many other complicated issues also. And please note it, China knows. Because economically, the China has become very strong since last 10 years or so. China knows that economically, a large number of countries, they are very in a very bad situation. So he is coming for their support and help. Unke infrastructure ko develop karne ke naam par, wo apni goods ko bech raha hai. Ab apni goods apne desh mein bani honi. उनको यूज करने के लिए उनको प्रोड्यूस करने के लिए यू रिक्वायर टाइम स्लोगन इज वेरी गुड बट द पॉलिसीज आर नॉट एट प्लेस एंड इफ द पॉलिसीज आर देयर इवन इफ दे आर देयर माइट बी सम डिफेक्ट इफ द पॉलिसीज आर गुड आल्सो इट विल टेक गुड नंबर ऑफ इयर्स बट दिस इज द ऑप्शन फॉर विच इंडिया विल हैव टू वर्क साइमल्टेनियसली ये नहीं कि भाई आप अच्छा 3 महीने स्लाइसिंग करते रहो सलामी और 6 महीने के बाद एशियन कंट्री से मीटिंग करो फिर सोचते हैं कि अगले बजट में देखता हूं आत्मनिर्भर करना You will have to use your options in all the fronts if we want to survive in the long run in this region. Otherwise, China ka jo maine expansionist policy dikhai hai, uski strategy dikhai hai, it's a very, very big danger. And sometimes I am worried ki agar is samay mein Pakistan ne kuch sharaat karni shuru kar di, there will be a big pressure on India. Apart from that, there is another option, neighbor-friendly approach. बांग्लादेश नेपाल भूटान श्रीलंका तो हमारे दोस्त होते थे वो क्यों नाराज होगा हमने जो जो उनके साथ सपोर्ट का वायदा किया जो जो हमने कहा हम आपके साथ करेंगे वो हमने वो कमिटमेंट नहीं की ना हमने जो है नेपाल भूटान उनकी पुलिस एकेडमी को सपोर्ट की ना उनके आर्म्स को सप्लाई करने के लिए हमने कुछ आगे मदद की ना हमने उनके पुल बनाने में उनकी मदद की तो हम ये मतलब हम इतना जो है हम कुछ स्टेप्स लिए भी लेकिन वो स्टेप्स जो है वो हाफ हार्टेड थे वीक स्टेप्स थे सॉलिड नहीं थे और उनकी कोई फीडबैक नहीं हुई एंड ऑल दिस हैज हैपेंड दिस लास्ट 5 years अगेन यू कैन नॉट क्रिटिसाइज आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग क्रिटिसाइज करने के लिए जो मर्जी जिसको मर्जी कह रहा हूं ये पिछले 5 साल में ये हमारे जो फ्रेंडली नेबर थे धीरे धीरे हमारे हाथ से जो थोड़ा थोड़ा स्लिप हो गए या दूर हो गए द टाइम इज कम दैट वी शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी विज़ाविज़ दिस कंट्रीज बिकॉज दे आर सो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड यू कैन नॉट हैव दीज कंट्रीज टू बी कन्वर्टेड एज एनिमी कंट्रीज इसलिए हमें इस ऑप्शन को पूरे जोर शोर से और खुले तरीके से करना चाहिए इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशंस विद अदर एशियन नेशंस ईरान के साथ हमने चबहार पोर्ट को किया चाइना को मालूम था कि इसीलिए वो ग्वार पोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा था और हमने जो है ईरान के चबहार पोर्ट और उसके जो रेल नेटवर्क थे जिससे हम सेंट्रल एशिया और किर्गिस्तान और दूसरे कंट्रीज के साथ उसका बनाना चाहते थे हमने कुछ नहीं कर किया So Iran has assigned a $200 million deal with China today. Though diplomatically, foreign minister ne kaha, nahi, wo to aise hi tha, wo port ke saath humara agreement to hai. But these are the shoddy type of ways to do the things. Afghanistan, humara hai abhi bhi dost hai, hume uske saath bana kar rakhna chahiye. Aur ye jitne bhi erstwhile Russian countries hain, agar ye humare saath rahenge, to hum via Iran and Afghanistan, unke saath achha trade bhi kar sakte hain. Otherwise, please mind it. कि चाइना ने अपना जो कॉरिडोर बनाया हुआ है दैट कॉरिडोर इज के टारगेट में वो सारे जो है वो एस्टिमेबल रशियन कंट्रीज भी हैं जहां तक वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है एंड आई फियर कि जो ईरान के साथ कर रहा है कल को ऐसा ना हो कि ईरान के साथ मिलकर वो रेल हेड के प्रोजेक्ट को इंडिया के बजाय चाइना सपोर्ट करना शुरू कर दे और अपनी गुड्स को जो है वाया ईरान दूसरे कंट्रीज में भेजना शुरू कर दे सो ये ऑप्शन है कि अपने बायलैटरल रिलेशंस दूसरे एशियन नेशंस के साथ चाहे वो ईरान है अफगानिस्तान है उसके साथ भी मजबूत करें और इट्स अ नीड टू हैव अ न्यू अलाइनमेंट कौन सा अलाइनमेंट क्वाड क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट क्या है ये एक स्लाइड से आपको ये क्लियर हो जाएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए ऑल दीज 4 कंट्रीज दे हैव एग्रीड
कि इंडो पैसिफिक पूरा रीजन है जहां पर पूरा साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन है, इसको इसको हम अपने अपने निगरानी में रखने के लिए दीज फोर कंट्रीज हैव एग्रीड, क्योंकि यूएसए का भी इंटरेस्ट है, जापान का तो है ही है, ऑस्ट्रेलिया भी पिक्चर में आ गया है और इंडिया। तो अब क्या हो रहा है कि इनके जो है आपस में वॉरशिप्स की ज्वाइंट एक्सरसाइज समुद्र में होनी शुरू हो गई है। सो दिस क्वाड एग्रीमेंट इट्स नॉट ए थ्रेट बट इट इज ए साइन ऑफ वरी टू चाइना। चाइना को लग गया है यार ये चारों कंट्री जो है इन पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस बार बार दिखा रहे हैं, तो कल को अगर मैं कुछ स्टेप ऐसा लूं सो इट मीन्स देयर वॉरशिप्स आर प्रेजेंट देयर एंड दे हैव एग्रीड ऑल दीज फोर कंट्रीज। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग डिफेंस फोर्सेज, जीडीपी का कितना परसेंटेज बजट हम अपनी डिफेंस फोर्सेज पर खर्च करते हैं और कितना चाइना करता है, देयर इज ए ह्यूज गैप। Every year that the defense budget has been reduced also, it's a fact. और जैसे वो defense budget के ऊपर बात आती है तो उस वक्त जो है वो यहाँ पर वो agreement नहीं हुआ, वो corruption होगी, वो हो गया, ये हो गया, ये ऐसे चलता रहता है। But it's a fact that if we want to strengthen the country, then we have to spend substantial amount on our defense forces. Anyhow, वो तो हो गया budget की बात, लेकिन since last couple of years, India has taken certain steps also, जैसा कि रफाल का आना तो आपके सामने है, वो जो आज की बात नहीं है, पिछले 10 साल से चल रहा था, बहुत अच्छी बात है, बड़े अच्छे टाइम पर हमारे पास वो आ भी गया है। रशिया के साथ हमारी डिफेंस डील्स भी बहुत अच्छी तरह से मैच्योर भी हो गई हैं एंड गुड नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स आर कमिंग व्हिच आई विल नॉट डिस्कस हियर, बट 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स स्पेशली इन दिस एरिया इज इंडिया इज अपग्रेडिंग एयर स्ट्रिप एट INS कोहासा इन नॉर्थ अंडेमान। अंडेमान निकोबार काला पानी की तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, हमने थोड़े से वहां पर कंटिजेंट छोड़ दिए। I went to Andaman, मैंने देखा कि वहां contingent जो है islands की safety security के लिए है क्या, कुछ भी नहीं है। अब हमने इनको full fledged fighter base बनाना शुरू किया है। अरे Andaman Nicobar तो हमारे पास 50 साल से है, आज हमें ख्याल आया इनको fighter base बनाना है, लेकिन चाइना जो है वो 9-dash के अलावा वहां पर समुन्द्र में artificial islands create करके उनके ऊपर fighter base बना चुका है। चलो देर आए सवेर आए, एटलीस्ट बनाना तो शुरू किया। एयर स्ट्रिप एट अगातिन लक्ष्मी इज बीइंग अपग्रेडेड फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस, ताकि बे ऑफ बंगाल जो मैंने आपको मलाक्का स्ट्रेट और गल्फ ऑफ एडन का दिखाया था उसके ऊपर निगाह रखने के लिए लक्षद्वीप को भी स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर हिंदुस्तान लक्षद्वीप को भी स्ट्रॉन्ग कर लेता है, श्रीलंका के साथ भी रिलेशन हमारे अच्छे हैं और श्रीलंका भी को बहुत ज्यादा खुश नहीं है अपना पोर्ट चाइना को देकर, अगर किसी तरह से श्रीलंका उस शिकंजे से 2-4-10 साल में निकल भी आता है, तो इस बेल्ट के ऊपर इंडिया और श्रीलंका और ये अपने इंडोनेशिया या फिलीपींस के साथ मिलकर कुछ आइलैंड्स के साथ ये अपनी अच्छी निगाह रख सकता है। ये सारा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक ये सारा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो हम नहीं समझेंगे, हम इमोशनल होकर कहते रहेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सी दैट द इट्स नॉट इजी। अपार्ट फ्रॉम दैट, रशियन रूले इन इंडिया चाइना रिलेशंस, आई अटेंडेड वन सेमिनार ए कपल ऑफ डेज बैक कंडक्टेड बाय ओआरसी, जिसमें रशियन एक एम्बेसी के बहुत ऑफिशियल्स थे और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, और उससे मेरे को जो पॉइंट लगा मैंने अपने हिसाब से इसको स्लाइड में बना दिया। रशियन रूले इन इंडिया चाइना रिलेशंस, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यहां पर चाइना भी है और इंडिया भी है और रशिया भी है। आरआईसी, रशिया इंडिया चाइना यहां पर है। एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये चाइना का ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ऐसे कंट्रीज के साथ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड टुडे इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर हैज गॉन टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द एससीओ। बॉर्डर के ऊपर ये हो रहा है, लेकिन चाइना के साथ जो है एससीओ की वो मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं। What I am trying to say is, what I foresee in future, that if the relations between India and China become so strenuous in future, Russia is going to play a very important and crucial role, because USA is no more the superpower, and after during Trump and after Trump, and especially the bitter relations of USA and China because of the trade war, now China is having good friendly relations with Russia, India is having good relations with Russia, and there are so many multinational, international fronts where both Russia, India, China are members. So economic cooperation उनका हो रहा है। बीच बीच में ये जो incidents आए हैं इनको control काबू करने के लिए Russia can play a very important crucial role of a mediator.
तो ये तो है सारा ओवरऑल सिनेरियो इंटरनेशनल लेवल पर। अब ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये इंसिडेंट्स जो है ये हो क्यों रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? एज आई सेड मेंशन इन द बिगिनिंग, दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स बीइंग यूज्ड बाय चाइना टू पुट ऑन इंडिया। देखिए आपको कुछ बातें जो है वो माननी पड़ेंगी। स्वदेशी की लहर चली, बहुत अच्छी लहर चली, अपनी होम गुड्स प्रोडक्ट आयुर्वेद होम्योपैथिक ये जितनी इसको होना चाहिए उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ बॉयकॉट चाइना, ये एक हेट कंपेन जो है हमारे कुछ लोगों ने ओवर एंथुसियाज्म में आकर चलानी शुरू कर दी, विच गेव ए वॉरिंग साइन टू चाइना कि इतने बिलियन का ट्रेड जो है मेरा ट्रेड तो नहीं कहीं कर ये डैमेज हो जाएगा। एंड चाइना गॉट द फीलिंग दैट इंडियन गवर्नमेंट इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इज रिमेनिंग साइलेंट एंड एनकरेजिंग दीज पीपल। ही हैज नो ऑब्जेक्शन दैट द इंडियन गवर्नमेंट शुड एनकरेज द स्वदेशी प्रोडक्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट हैज द ऑब्जेक्शन दैट उनके जो एंटी चाइना रेटोरिज्म जो चल रहा था दैट वॉज इरिटेटिंग चाइना, नंबर वन। नंबर टू, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था 370 के बाद हम अक्साई चीन भी ले लेंगे, पीओ को भी ले लेंगे, ये सारे हमारे बड़े टॉप पॉलिटिकल लीडर्स के मुंह से बार बार ऐसी स्टेटमेंट्स आने से चाइना को एक लगा कि यार ये कल को जो है मेरे इस सीपीईसी कॉरिडोर की तरफ को ना आ जाए, सो ही थॉट कि इट्स बेटर दैट आई शुड स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन इंडिया। और इसके अलावा भी देखिए चाइना का जैसे मैंने शुरू में कहा था उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, अगर आप नेट पर जाकर उनके पुराने मैप उठाकर देखें उनकी डायनेस्टीज के, वो कहता है कि ये अरुणाचल हो गया, भूटान हो गया, वियतनाम कंबोडिया एक्सेट्रा, ये एक्चुअली मेरे ही हिस्से हैं। जैसे इंडिया कह सकता है कि ये पाकिस्तान मेरा हिस्सा है, वो मेरा हिस्सा है, मैं वहां तक होता था, तो चाइना कहता है हाँ भाई वो होंगे आपके, ये मेरे हिस्से हैं। और चाइना अपनी उसी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को सामने रखते हुए अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर रहा है, और उसको मालूम है कि आने वाले समय में द कंट्री विच कंट्रोल्स द इकोनॉमी इट कंट्रोल्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, इट्स अ वंडरफुल लेक्चर, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल आइडिया, होल टॉपिक। हम लोग शायद इतनी सारे एंगल से इस विषय को नहीं जानते थे, नहीं देख पा रहे थे, और आपने जिस तरह से इस सारे विषय को स्पष्ट किया है वो हमारे लिए एक बड़ा मूल्यवान उसने ज्ञानवर्धन किया है। और हमें ये बात समझ में भी आई कि जिस तरह से मीडिया में जो दिखाया जाता है वो सारे का सारा यथार्थ नहीं होता, वो एक ओपिनियन मेकर्स होते हैं, वो रैशनलिस्ट नहीं बना पा रहे। तो वो ये एक हमें निश्चित रूप से विचार करनी होगी। और ये सेमिनार मूलतः था भी इसी बात के लिए कि हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि वस्तुतः समस्या है कहाँ पे और समस्या का स्वरूप क्या है। ये चीज बातें जब तक हम ठीक से रैशनली नहीं सोचेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे और तथ्यात्मक नहीं होंगे, तब तक हम एक हाइप क्रिएट करके हम देश को नहीं चला सकते। तो निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए बहुत, आपने बहुत बढ़िया और व्यापक दृष्टि हम लोगों को दी है, इतनी सारी सूचनाएं हमारे साथ साझी की हैं कि किस तरह से पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस इंटरेस्ट और एक्सपेंशनिस्ट जो आपके जो डिजायर्स हैं वो किस तरह से आपका तालमेल बन करके इस दुनिया को चला रही हैं, और उसके हिसाब से आपको अपने को परिभाषित करना पड़ता है, बार बार परिभाषित करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से इससे बहुत लाभ हुआ है। और मैं चाहूँगा कि यदि किसी की कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, सवाल है तो यू कैन रेज इट, और आप लोगों के साथ हमने लिंक शेयर कर दिया है, आप उसको कर सकते हैं ठीक से। जी मुझे लगता है डॉक्टर गुप्ता जी पहले करना चाहते हैं। जी सर जी सर जी सर मैं आ सकता हूँ बीच में? सर बिल्कुल आप बीच में जी। जी सर प्लीज कंटिन्यू। आशुतोष जी मैं अपनी बात कह सकता हूँ? जी सर प्लीज कंटिन्यू कहिए। आशुतोष जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। हेलो आशुतोष जी। जी सर, जी सर प्लीज मैं अपनी बात कह सकता हूँ? मेरी आवाज नहीं आ रही। गुप्ता जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आपकी आवाज आ रही है।
मुझे लगता है सिग्नल्स में कुछ गड़बड़ हो गई है। तब तक कोई और अपनी बात टिप्पणी करना चाहें या कोई प्रश्न है तो। हाँ सर, मेरा प्रश्न नहीं, जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं एक दो बात कहना चाह रहा था कि सर, एक जो पहले तो आपको बहुत बहुत आभार स्कॉलरली प्रेजेंटेशन के लिए। मेरा एक दो प्रश्न है सर, प्रश्न तो नहीं टिप्पणी है कि हमने रक्षा मंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो चाइना है। हमने उसको टोटली इग्नोर किया जिसके कारण ये समस्या आई है। और दूसरी सर, एक छोटी सी बात मेरी अपना मानना है कि हमने एक नीतिगत यदि आप देखें सर, समस्या रही जब एंटनी साहब रक्षा मंत्री थे यूपीए के सरकार के टाइम, तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि जो अविकसित सीमावर्ती क्षेत्र है वो सुरक्षा की दृष्टि से बेस्ट, जो कि मैं समझता हूँ बहुत गलत नीति थी। और 2014 के बाद जिस प्रकार से हमने चाइना वाले इलाके में अपना विकास करना शुरू किया, मुझे ये लगता है कि चाइना को ये लगा कि यदि अब और देर कर दी तो फिर वो भारत को दबा नहीं पाएगा। और जो इसलिए आज जो बार बार वो इंट्रूजन कर रहा है चाइना, वो केवल इसीलिए कर रहा है कि उसको लगता है कि यदि भारत और ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एक सर प्रश्न है मेरा आपसे, यदि उसका उत्तर दे तो बेहतर होगा, कि इस समस्या से आखिर वो कोई बोला होगा और हम संभल जाएंगे। तो मेरा तो अंत में केवल इतना कहना सर कि जो आज कुछ चेंज कर रहा है वो ब्लेसिंग डिस्गाइज है। हम जो है स्वदेशी के प्रति जो जागरूक नहीं थे वो जागरूक हो रहे हैं, चीन के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो इस इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप सर इसके ऊपर भी अपनी बात कहें। धन्यवाद। एक्चुअली गुप्ता जी, आपका बीच बीच में वॉइस कट रही थी तो आपका जो प्रश्न मैं पूरी तरह से सुन ही नहीं पाया आपने क्या कहा, लेकिन फिर भी मैं जो कुछ आपने कहा है उसमें एक दो चीजें ऐड कर देता हूं। ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कह लीजिए या जो भी है, जब चाइना ने वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट उठाया उसमें देयर गुड नंबर ऑफ कंट्रीज दे हैव एग्रीड, चाहे वो मजबूरी में हुए बांग्लादेश श्रीलंका वगैरह या जो भी कारण रहा हो, या उनको लगा कि यार इंडिया से तो कुछ मिलना मुलना नहीं है, चाइना के साथ हाथ मिलाकर मेरा सड़कें तो बन जाएगी, पुल तो बन जाएंगे, रेलवे लाइन तो बन जाएगी, ये भी शायद हो सकता है, लेकिन इंडिया हैज बिन अपोजिंग इट, इंडिया हैज बिन अपोजिंग दिस चाइनीज प्रोजेक्ट। और चाइना को इस बात की बड़ी जबरदस्त चिढ़ है कि ये इंडिया जो है ये मेरे प्रोजेक्ट की अपोजिशन कर रहा है। और नॉट ओनली इंडिया हैज बिन अपोजिंग इट बट इट हैज बिन आस्किंग द नियरबाय नेबरिंग कंट्रीज आल्सो नॉट टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस चाइनीज प्रोजेक्ट। अब वो नेबरिंग कंट्रीज तो फंस गए भाई, वो डेवलप कैसे करें और उनका पोर्ट कैसे हुए। इफ यू सी दैट द आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, अगर आप यूट्यूब पर या नेट पर जाकर ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या कार्यक्रम हाईवे को अगर आप देखें, ऐसा हाईवे मैंने दुनिया में बहुत कम बने हुए हैं। अरे इतना जबरदस्त हाईवे बनाया है। अच्छा, वो हाईवे बनाया अलोंग विद द हाईवे उसने वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी उन दूर दूर दराज इलाकों में, सड़क बना दी, जहां पुल बनाने थे वो बना दिए, गुड्स पहुंचनी शुरू हो गई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गुप्ता जी आप तो पॉलिटिकल साइंस के हैं, मैं एक बात कहता हूं जो आप जल्दी पकड़ लेंगे, इट्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म व्हिच चाइना इज डूइंग फॉर द गुड नंबर ऑफ कंट्रीज। कॉलोनियलिज्म जो है एक तरह से वापस आ रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा, कंट्रीज को समझ में नहीं आ रहा, वो मजबूरी में चाइना के शिकंजे में आकर उसकी कॉलोनियां बननी शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो उनको पहले जो है वो लोन देता है, अपनी कंपनी भेजता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, उसके बाद अपनी गुड्स भी उन्हीं को जो है बेचने के लिए बेचता है, और फिर कहता है कि मेरी गुड्स सबसे दुनिया में सस्ती हैं। सस्ती हैं लेकिन उसको नुकसान नहीं हो रहा, उसको फायदा ही हो रहा है। तो क्या हो रहा है, द कंट्रीज आर बिकमिंग बेसिकली ए कॉलोनी ऑफ चाइना। और ये सिर्फ वो एशिया में नहीं कर रहा, आज वो अफ्रीका में भी कर रहा है।
तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन नटशेल इज दैट चाइना जो गेम खेल रहा है या पॉलिसी कह रहा है उसमें क्या है कि टुडे जिनपिंग इज इन पावर, अर्लियर समबडी एल्स वाज देयर, हूएवर इज इन द पावर, चाइना फॉलोज द पॉलिसी विच आई शोड इन द फर्स्ट स्लाइड दैट व्हाट इज माय नेशनल इंटरेस्ट। हमारे कितने पॉलिटिकल लीडर है जो नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सोचते हैं? हमारे कितने परसेंटेज पॉलिटिकल लीडर्स हैं हु थिंक अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट? दे थिंक अबाउट देयर रीजन, देयर स्टेट, देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, देयर दिस थिंग एंड देयर पॉकेट। दैट इज द डिफरेंस। जी बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि नेशनल प्रायोरिटीज मुझे लगता है कि हम लोग परिभाषित ही नहीं कर पाए। जिस जो देश अपनी बाउंड्रीज को परिभाषित नहीं कर पाया 70 सालों में, उसके लिए ये तो एक समस्या आनी ही थी, नहीं देख पाए। और ये बात मैंने शुरू में भी कही कि फॉर साइटेडनेस जो है, जो विजन होना चाहिए था अगले 50 साल का, 70 साल का, जो हमें डेवलप करना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, वो हमें देखने को नहीं मिला और उसी के परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रतन सिंह ढिल्लों जी भी जुड़े हुए हैं, पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं और बहुत सुलझे हुए विचारक भी हैं। मैं निश्चित रूप से उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक टिप्पणी जो है अपने विषय, इस विषय पे वो अपने हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर रतन सिंह ढिल्लों जी, सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए। ढिल्लों साहब अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, मैं नहीं कर पाऊंगा यहां से। नीचे की ओर एक रेड बटन होगा, नीचे नीचे स्क्रीन के नीचे की ओर सर होगा बटन, स्क्रीन पे आएगा और जो स्क्रीन पे बटन है उसे दबाना पड़ेगा। हाँ जी सर, हाँ जी, यस सर। अच्छा जी नमस्कार, शौरी जी को नमस्कार, सबको नमस्कार। बहुत बढ़िया जानकारी जो है वो मिली है, और एक पॉइंट जो इन्होंने उठाया था कि मीडिया, आपने भी ये टिप्पणी की है। देखो मीडिया के बारे में तो बड़ी सीधी सी बात है, क्या कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है, पता नहीं मुझे वो ठीक है कि नहीं है, मुझे आती कि नहीं आई, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ऐसे होता है। मीडिया को तो अंशिक अंशिक जानकारी होती है और उसको कभी कंप्लीट जानकारी नहीं होती, और वो जो अंशिक होती है उसको बढ़ाकर वो पेश कर देता है और उसके पास कुछ नहीं होता है। इसलिए आज जो जो कुछ भी कहा गया है बहुत कमाल का है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या हमारी स्थिति है, इसके बारे में शोरी जी ने कमाल है, मैं तो हैरान हुआ हूँ ये सारा कुछ। क्योंकि मैं इनकी एक तो सुन रहा था, जो इनकी तस्वीर जो बोल रहे हैं, तो दूसरे फोन पर मैं वो जो नक्शे दिखा रहे थे वो दूसरे फोन पर मैं नक्शे भी देख रहा था साथ साथ, तो मैं ये डबल काम यहाँ बैठा कर रहा था। बहुत बढ़िया लगा जी। और आशुतोष जी आप ऐसी जानकारी आप तो हम जैसे साधारण लोगों को देते रहें, ताकि हमें जो भ्रम की स्थिति पैदा होती है उससे से हम बाहर निकले। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे ऐसे मन में एक बात आई, देखिए मैंने एक ही स्लाइड दिखाई थी शायद, जिसमें मैंने दिखाया था कि रीफ्स की मदद से चाइना ने कैसे आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करके उनके ऊपर एयर स्ट्रिप बना लिया है। अब आप देखिए कि समुद्र में ये जो काम जो है जो उसने चाइना ने किया है उसको मालूम था, और वो एक दिन में नहीं किया, इट हैज टेकन फॉर अबाउट 10 to 20 years। व्हाट आई मीन, बार 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 ये कह रहा हूं कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको या किसी भी पॉलिसी को एक प्रॉपर करने में 15-15, 20-20 साल लगते हैं। एंड देयर हैव बीन द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस इन द चाइनन पॉलिटब्यूरो आल्सो। लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, देयर हैज टू बी द सर्टेन कॉमन पॉइंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब होता क्या है, अगर एक वो मनरेगा की स्कीम एक सरकार लेकर आती है, दूसरी सरकार उसको पहले तो 2 साल जो है क्रिटिसाइज करती, फिर उसको रीपैकेज करके लॉन्च करती, व्हाट हैपेंस दैट वी वेस्ट अवर टाइम एंड एनर्जी और अननेसेसरी ट्राइंग टू क्रिटिसाइज एंड डिफेम, और फॉलो वही करते हैं जो देश के हित में होता था, वो भी अपने हिसाब से करता, वो भी अपने हिसाब से होता है, कमियां उसमें भी हो सकती, कमियां इसमें भी हो सकती। हमारा एक कॉमन नेशनल एजेंडा नहीं बन पा रहा है बहुत सारे इश्यूज। हेलो
जी बिल्कुल सही बात है जी सर। जी जी प्लीज। मैं जनरल पाक की भूरी हाँ भूरी सर प्रशंसा करता हूँ एंड रियली ही हैज अ स्पॉटलाइट सो मेनी थिंग्स दैट हैज एनलाइटन्ड अस एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आई एम रियली वेरी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हर्ट आई एक्सटेंड माई ग्रेटफुलनेस टू यू एंड थैंक यू सर। इसमें ये हमें देखना था कि अभी जो प्रचार हमारे चल रहा है कि अमुक जगह हमने कब्जा कर लिया है वो, उसमें आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि इट इज देयर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी टू गो बैक एंड देयर आफ्टर टू डू थिंग। सो व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ द चाइना व्हाइल लीविंग दैट पोस्ट एंड वी आर बोस्टिंग कि आई हैव जस्ट वन दैट पोस्ट आई हैव जस्ट स्नैच्ड अवे फ्रॉम देयर। सो व्हाट शुड बी देयर स्ट्रेटेजी एंड हाउ टू काउंटर इट। आई थिंक यू कैन स्पॉटलाइट ऑन दैट ऑल्सो। अविनाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके कमेंट्स के लिए। एक्चुअली अगर मेरे पास अब समय नहीं है, अगर कोई दूसरा सेमिनार हो तो मैं उसी एरियाज के आपको कुछ मैप्स दिखाता। देखिए जो गालवान और दूसरे, अगर आप उसको डिटेल में कैसे बताऊं, उसमें वो सब हाइट पर हैं बहुत सारे पॉइंट्स। उस हाइट पर आने की वजह से जो इंडियन की साइड में जो मिलिट्री मूवमेंट हो रही है उसके ऊपर चाइना निगाह रखना चाहता था, तो वो क्या करता है इतना आगे आता है ताकि बाद में टॉक्स के बाद वो इतना पीछे हट जाए, लेकिन जहां वो रह जाए वहां से उसका काम चल जाए। दिस इज द चाइनीज स्ट्रेटजी राइट फ्रॉम 1962। जैसा मैंने कहा था, यू कम टू स्टेप बैकवर्ड, मूव वन स्टेप टू स्टेप फॉरवर्ड, वन स्टेप बैकवर्ड, स्टिल यू हैव रिटन दिस थिंग। दूसरे, स्ट्रेटजिकली इंडिया ने अपने एरिया में कुछ एक रोड्स और ब्रिजेस बनाए हैं ताकि अपने इक्विपमेंट्स को, वेपन्स को आगे तक ले जाने के लिए। अब मतलब मुझे मालूम नहीं मैं अभी कितना समय है कि नहीं है। ये एक 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 वेपन्स ले जाना या रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, वो अल्टीमेटली इंडिया की भी स्ट्रेटजी अल्टीमेटली आंख है पीओके के ऊपर, आंख है इंडिया की पीओके के ऊपर। स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज ऑन डेट, लेकिन आंख जरूर है, दिल में कसक जरूर है कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और इंडिया के को चुभ रहा है 1962 का अक्साई चिन का एरिया, उसमें से भी एक छोटा सा पोर्शन है जिसको चिकन स्नैक बोलते हैं, वो चिकन स्नैक का एरिया चुभ रहा है जहां पर 62 में और बाद में 63 में हमारे बहुत से जवान शहीद हुए थे, मेजर शैतान सिंह शायद थे या कौन थे मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये जो सोर पॉइंट्स हैं इंडिया भी धीरे धीरे उनकी तरफ को खिसक रहा है। तो अल्टीमेटली ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये चेस की गेम है, कौन अपने मोहरे और प्यादे किस खूबी से चलाएगा वही जो है आगे आगे कामयाब होगा। लेकिन हम बहुत पिछड़े हुए हैं, ये फैक्ट है, हम बहुत सारी चीजों में बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारी हमारे थिंक टैंक कौन है आज की तारीख में, हमारे थिंक टैंक है क्या? बहुत सारे कैप्स है, बहुत सारे कैप्स है। जनरल साहब मैं आपकी आपकी इस पीड़ा से बिल्कुल सहमत हूं, पर मैं खुद ये महसूस करता हूं कि हम अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित ही नहीं कर पाए। हम लड़ते भिड़ते रहे, छोटी छोटी बातों के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने उलझा के रखा, कभी हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव डेवलप ही नहीं होने दिया हम लोगों ने। बहुत सही बात कही, हमारे लीडर जो है सारे टोल के ऊपर 10 रुपए देने की खातिर लड़ाइयां करने में जो है लग जाते हैं। बताओ ये तो हमारे लीडर्स के लेवल है कि जी मैं इलाके का एमएलए मेरे से 10 रुपए क्यों मांगे। अब बताइए कैसे हमारे जो है वो मेच्योरिटी आएगी आगे। वही एमएलए अगर कल को कहीं एमपी बन गया, आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने उसको डाला जा सके कोई पॉलिसी बनाने के लिए? ये हमारे बहुत सारी चीजों में कमियां हैं एंड हु इज टू बी ब्लेम, वी ऑल आर टू बी ब्लेम, क्योंकि हम ही ने इन्हें मूर्खों को चुना। हेलो जी जी रोहताश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं दो विद्वानों की बातों से चीन के इस प्रकरण पर अपनी विचार रखना चाहता हूँ सर। जी सर। पहला सर, फैसी मैक्स ने 2200 साल पहले ये कहा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। उसके बाद मैकाउली का एक कथन था कि व्यक्ति अपनी पिता की मौत को भूल सकता लेकिन अपने अपमान को कभी नहीं भूल सकता। मैकाउली के इस कथन से यह बात निश्चित हो जाती है कि चीनी खरबूजा जो 18वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने चीन के साथ जो जो आला चीन की थी उसके संदर्भ में, और जब हम और चीन एक साथ आजाद हुए और चीन में माओ आया तो माओ ने एक बात कही कि शक्ति बंदूक की नली में है,
उसी ने ये कहा कि तिब्बत अथेली है और भूटान लद्दाख और अरुणाचल ये हमारी उंगलियां। उसी ने दक्षिणी एशियाई की तरफ इशारा किया और 1976 में जब वो चले गए तो अब वर्तमान राष्ट्रपति चीनी इसकी ओर अग्रसर हैं। जो मेजर साहब ने बात बताई कि भाई पड़ोसी देशों की तरफ साम्राज्यवाद का रुख इसका अपनाता जा रहा है, ये बात सही है। नेपाल को चीन ने अपने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा है, पाकिस्तान को अपना दास बना रखा है, श्रीलंका भूटान बांग्लादेश इत्यादि देशों की तरफ भी उसकी नजर है। लेकिन यह बात भी सही है कि नेहरू के काल में तिब्बत हमने चीन को दिया, तिब्बत सिखों का राज्य था, हमारा अपना राज्य था। नेहरू की सोच और उसकी मोच ने हमें यह दिन दिखलाए, यानी कहने का भावार्थ है कि आज के दिन चीन की नजर दक्षिण एशियाई महासागर और राष्ट्रों पर है, चीन एक महाशक्ति की ओर है। मेरा मेजर साहब से एक छोटा सा टिप्पणी के बाद प्रश्न यह है कि क्या चीन नाटो जैसे नए संस्करण के बिना रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा, क्योंकि ये फैलता ही जा रहा है और इतना फैलता जा रहा है कि इसको काबू करने के लिए वही संगठन आए तब जाके मुझे लग सकता है रुक पाएगा, वरना ही रुकना बड़ा मुश्किल है। मैं विचार जानना चाहूंगा मेजर साहब के। नमस्कार सर। नमस्कार रोहताश जी, आपके सवाल का जवाब मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि सबसे पहले आप मेरे को मेजर साहब कहना बंद कीजिए, मुझे जनरल कहना शुरू कीजिए। मेजर और जनरल में फर्क इतना होता है, जो एक सब इंस्पेक्टर और आईजी में होता है, और फौजी आदमी जो है अपने रैंक के लिए बहुत कॉन्शियस होता है। मैं छोड़ूंगा नहीं आपकी इस गलती को, आपको सबके सामने अपना रोष प्रकट करूंगा। भाई मेजर का क्या मतलब हुआ? हाँ मेरे को जनरल बोलिए। अच्छा ठीक है रोहताश जी, जो अब जो आपने सवाल पहला पूछा है ना, मैं चाहूंगा आशुतोष जी से बात मैंने कर ली है ऑलरेडी, जरा मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं आपको साइबर वॉरफेयर के ऊपर एक वेबिनार करूंगा। देखिए वो नेटो का जमाना नहीं है, जमाना है टेक्नोलॉजी का। चाइना और कुछ और कंट्रीज पिछले 15-20 साल से साइबर वॉरफेयर के जरिए दुनिया को अपने काबू में करने के चक्कर में है। अगर उसने आपकी टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर ली, आपके रेल, आपके एयरलाइंस, आपके बैंक, आपके नेटवर्क, आपका कम्युनिकेशन और आपके इवन मिसाइल्स को भी वो कंट्रोल कर सकता है। सो एक बहुत जबरदस्त और सिरे में एक बड़ी जबरदस्त जो है वो कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए, गठबंधन कह लीजिए, वो चल रहा है साइबर वॉरफेयर का। आप साइबर वॉरफेयर का वेबिनार मैं प्लान कर रहा हूं, व्हेन यू विल अटेंड इट यू विल फॉरगेट अबाउट सेंटो सीटो नेटो। दिस सेंटो सीटो नेटो का आर्मी मिलिट्री अलायंस का जमाना नहीं है, साइबर वॉरफेयर का जमाना है। You just see that the, if your this networking goes, webinar goes. No, who controls this networking? The company which controlling the webinar switch off कर दिया, webinar खत्म हो गया। तो आपको मैं उस तरफ को लेकर चलूंगा। Give me just time. जी बिल्कुल, ये ठीक बात है और अभी इसके कई एक dimensions मेरे अभी भी जहन में आ रही हैं कि हमें एक reassessment of Indian security system और थ्रेट परसेप्शंस जो हैं उनके ऊपर इसका पार्ट टू करना चाहिए, क्योंकि ये इतना व्यापक विषय है कि जो एक बार में समझ में नहीं आ सकता, और इसकी कई सारी डायमेंशंस ऐसी हैं जिनके बारे में हमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अलग अलग विषयों के लोग अलग अलग तरीके से इस सारे विषय को देखेंगे, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इसका एक पार्ट टू जो है reassessing India's threat perception जो है उसको हम देखेंगे निकट भविष्य में। और जैसा कि जनरल साहब ने ये बात कही है कि ये जो अब इंटरनेट के ऊपर सारी चीजें आ गई हैं, ये सबसे बड़ा अब तो एक हथियार वेपन जो है वो डेवलप और डिजाइन कर लिया है लोगों ने, तो इसके थ्रू ही अब तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो लेट अस सी कि क्या भविष्य में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिल करके, कम से कम जिन्होंने आज इस सारे विषय को देखा और समझा है, हम इस बात के लिए विश करें, कामना करें कि हमारे देश में जो नेताओं की बुद्धि है वो एक बुद्धि हो, हमारे देश के लोगों का मन एक मन हो, ताकि हम अपने को परिभाषित कर सकें, अन्यथा बहुत जल्दी हम बिखर जाएंगे। हालांकि बीच में एक कमेंट में करना चाहता था कि ये जो बात कर रहे थे कि इधर की ओर जब हमने बात की है पीओके और ये बाकी सारी बाल्टिस्तान और ये सारी,
तो मुझे ये लगता है कि जब लद्दाख को अलग किया गया है, लद्दाख के लिए लद्दाख के एरिया को अलग किया गया है कश्मीर से, तो निश्चित रूप से उसके पीछे वो सारा मुझे लगता है एक आइडिया लगता है कि उधर की ओर एक्सपेंशन के चांसेस कुछ होंगे, कुछ ना कुछ इस तरह के डिजाइन और पॉलिसीज सोची गई होंगी, क्योंकि उसको यूनियन टेरिटरी घोषित करके फिर आगे का जो एरिया उसके साथ जुड़ता है उसके साथ कोई ना कोई प्लान तो होगा, लेकिन वो है कि पब्लिक नॉलेज में नहीं है, पब्लिक डोमेन में वो सारी चीजें नहीं है, लेकिन बड़ी खूबसूरत वो भी एक मुझे लगता है कि एक वेल थॉट ऑफ डिसीजन था और उसके कई परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि अब ये आज का जो बातचीत है इसको हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं, समापन करते हैं, और इस सारी बातचीत ने हमारे दिमाग के कई सारे दरवाजे खोले हैं, कई सारी संभावनाओं को जन्म दिया है कि इस विषय को, एक ही विषय को हम किस किस रूप में देख सकते हैं, किन किन डायमेंशन से हमें देखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे विषयों के ऊपर आप रैशनली किस तरह से विचार करें, इमोशन से बचें, क्योंकि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी हमारी ही है कि हम किस विषय के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हमारे एजुकेशन पर, हमारे रैशनल थिंकिंग पर, हमारे अपने जो जिसे कहेंगे कि कल्चरल रिस्पॉन्सेज जो हैं उस पर निर्भर करता है। तो निश्चित रूप से हम दोबारा फिर मिलेंगे इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए। इससे पूर्व कि मैं धन्यवाद ज्ञापित करूं आप सभी लोगों का, परसों की सूचना मैं देना चाहूंगा कि परसों हम लोग एक बार फिर 10:30 बजे मिलेंगे और चर्चा का विषय रहेगा कि आर्य थ्योरी जो रही है और उसको किस तरह से मैनिपुलेट किया गया, मिस रिप्रेजेंट किया गया, और उसकी उसके विषय में सारी चर्चा रहेगी, क्योंकि जिस देश का इतिहास ही उसके विरोध में खड़ा हो तो वो देश क्या होगा, ये एक सोचने की बात है। तो परसों हम 10:30 मिलेंगे इस सूचना के साथ, और लिंक यही रहेगा उसका भी। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी जिन्होंने इतनी मेहनत की है इस सारे विषय को परिभाषित करने में, इसकी सारी डायमेंशंस बताने में, और खुद कितना पढ़ना पड़ा होगा, इन सब बातों के लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सब लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस सारे विषय को धैर्यपूर्वक सुना और उसके ऊपर अपनी टिप्पणियां भी दी, कमेंट्स भी दिए और प्रश्न भी किए हैं। और सारी चीजें तो संभव नहीं होती हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगली संभावना की ओर हम अग्रसर होंगे और देखते हैं कि सिक्योरिटी असेसमेंट और थ्रेट परसेप्शंस क्या हैं, तो अगली बार हम उन विषयों को लेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा हो प्लीज वो आप लोग फॉर्म भर दीजिए, मैं दोबारा उसको लिंक को शेयर कर लेता हूं आप लोगों के साथ। और इस बात के लिए भी धन्यवाद, इस बार बहुत कम लोगों ने जो है वो माइक अपना ऑन किया बीच में और 2-3 लोगों ने ही स्क्रीन शेयर की है, तो उसके लिए उनका भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यदि किसी की तो मुझे आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो सर, साबान अहमद सर। जी सर।